And the captain Jitesh is playing a very good knock. He hit 1-4 towards square leg. नमस्कार देवी और सज्जनों, तो मैच का ताजा अपडेट, कुछ देर बारिश के कारण मैच डिले हुआ और यह मैच 25 ओवर का खेला जा रहा है. तो 3 ओवर के समाप्ति के पश्चात स्कोर है 15 बिना किसी नुकसान के थंडर का. कप्तान जय, जितेश और स्वप्निल दोनों ही प्रारंभिक जोड़ी मैदान पर. दुधिया रोशनी में खेला जा रहा है फाइनल का मैच. सो हियर वी गो, ओवर नंबर 4. Subbu to captain Jitesh and hit again towards the leg side, and there is chance for the fielder, but his ball stopped itself, and but by the time being batsman completed 2 runs. So with this 2 runs his score moved to 17 without any loss. बहुत ही बढ़िया क्रिकेट देखने को मिल रहा है. दुधिया रोशनी में नहाया हुआ पूरा मैदान. और अगली गेंद खेलने के लिए तैयार कप्तान जितेश. ये गेंद हवा में और देखते हैं फील्डर उसके नीचे, और इसी के साथ आउट. जितेश आउट हो गए. बहुत लंबा शॉट खेला और फील्डर ने बहुत ही बढ़िया पूरी तरह टाइम लिया. आखिरी वक्त गेंद पे निगाहें जमाई रखी और इसी के साथ आउट. तो जितेश जो कि कप्तान है 13 रन बनाकर वापस लौट रहे हैं. एक चौका लगाया उस पारी में. बहुत ही बढ़िया कैच. और इस टाइम पे इस तरह के कैच करने मुश्किल होते हैं जब आपके सामने फ्लड लाइट होता है और गेम जमाई रखी गेंद पर, और एक बहुत ही बढ़िया सफल कैच. तो इसी के साथ पहला विकेट का पतन हो चुका है थंडर का. कप्तान जितेश वापस आ रहे हैं पवेलियन और उनका स्थान लेने जा रहे हैं बैट्समैन परंजन. सो कॉट रघु बोल्ड अप बोल्ड बाय सिबु 13 रन्स. ही प्लेड 11 बॉल्स हिट 1-4. सो अभी तक का लेखा जोखा, कप्तान जितेश अभी आउट होकर वापस आ रहे हैं. बहुत हवा में ऊंचा शॉट खेल बैठे और फील्डर ने बहुत ही बढ़िया कैच किया. मिड ऑफ पर खड़े फील्डर ने कोई भी गलती नहीं की और बहुत ही बढ़िया अपने हाथों में कैद कर लिया उस कैच को. तो इस तरह से पहले विकेट का पतन. स्कोर है 17 रन एक विकेट के नुकसान पर थंडर का. तो यह मैच फाइनल जो कि थंडर और रेडबैक्स के बीच खेला जा रहा है. रेडबैक्स के कप्तान बाला ने टॉस जीता था और पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया. ये गेंद स्वप्निल को ऑफ साइड पर खेला धीरे से. फील्ड कर लिया, कोई रन लेने की संभावना नहीं. तो किसी भी प्रकार की रन लेने की संभावना को खत्म किया बाला ने. बहुत ही बढ़िया क्रिकेट रहा है यहाँ पर. अभी तक स्कोर की बात करें तो 17 रन बना लिए हैं थंडर ने एक विकेट के नुकसान पर. आउट होने वाले बल्लेबाज हैं कप्तान जितेश, जिन्होंने 13 रन बनाए, 11 गेंदों का सामना किया और एक चौका लगाया. बाला की गेंद फुल टॉस गेंद थी, कट किया पॉइंट पर और बहुत ही बढ़िया क्षेत्ररक्षण. और नॉन स्ट्राइकर इन पर करीब करीब रन आउट करने की चेष्टा कर बैठे थे, पर प्रंजन बहुत ही चतुर खिलाड़ी अब वापस क्रीज पर आ गए थे. और सही डिसीजन स्वप्निल का, सही कॉल. आखिरी वक्त पर मना किया, अदरवाइज नुकसान हो सकता था. यह मैच वर्षा बाधित था जिसके कारण ओवर में कटौती की गई है और 30 ओवर की जगह 25 ओवर खेला जा रहा है यह मैच. दोनों ही टीम के खिलाड़ी बहुत ही उत्साहित नजर आ रहे हैं इस मैच को लेकर, और हो भी क्यों ना, क्योंकि फाइनल का मैच खेला जा रहा है. क्षमा करी कुंजन है बैट्समैन
जो कि कप्तान जीते इसकी जगह। और ये गेंद बहुत ही बढ़िया, करीब करीब बल्ला अड़ाई दिया था, बहुत भाग्यशाली रहे कि बाहरी किनारा लगा, नहीं लगा नहीं तो नुकसान हो सकता था। इसी के साथ सुबह का ये सफल ओवर समाप्त हुआ। तो चार ओवर के समाप्ति के पास 17 रन एक विकेट के नुकसान पर और ये ओवर मेडन था। तो नए बल्लेबाज कुंजन स्ट्राइक लेंगे और सामने हैं गेंदबाज अश्वत। सो न्यू बैट्समैन कुंजन ऑन स्ट्राइक, ही इज फेसिंग अ न्यू, आई मीन द बॉलर अश्वत। वेरी प्रीटी ओवर टू डे, टू ओवर्स ही कंसीडर्ड ओनली 7 रन, ऑल्दो ही डिड टेक इट। सुबू ही बोल्ड टू ओवर्स, कंसीडर्ड 10 रन एंड गॉट वन विकेट। So, 17 lost 1 wicket. They lost the wicket of captain Jitesh, who scored 13 runs, placed 11 balls and hit 1-4. Fielding mein parivartan kiya ja raha hai. Boundary rekha se 30 gaj ke daire mein bula liya gaya hai. ये गेन लेग स्टंप पट के चाहते हैं स्वप्निल, कुंजन ने मना किया और ये बाइट का इशारा। तो पहला अतिरिक्त रन, तो अतिरिक्त रन की भी, अतिरिक्त रनों का भी खाता खुल गया है इसी के साथ वाइड। तो पहला अतिरिक्त रन और इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 18 एक विकेट के नुकसान पर थंडर का। क्रैकिंग विलोज ये गेंद करीब करीब हवा में खेले थे, कैच इट की आवाज आई, मिस कर दिया बॉलर ने। और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता मिड ऑफ के फील्डर भागकर, तब तक बैट्समैन के पास पूरा समय था एक रन, और इसी के एक रन के साथ खाता खोल लिया कुंजन ने अपना। तो कुंजन जा पहुंचे हैं एक रन पर और टीम का स्कोर जा पहुंचा दिया है इसके साथ 19 रन 4.1 ओवर की समाप्ति के पश्चात। ये गेंद स्वप्निल को करीब पर इनसाइड और कीपर ने से कैच ड्रॉप हो गया। मुश्किल कैच होता है जब आपके एज लगते हैं, बहुत ही टाइम बहुत ही कम समय होता है, उस समय पर आपको कैच पकड़ना होता है। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया ट्राई किया था पर मिस कर गए। तो एक जीवन दान मिला है स्वप्निल को, देखते हैं कितना कैपिटलाइज करते हैं इस जीवन दान को। स्वप्निल जो कि 4 रनों के स्कोर पर खेल रहे हैं, 13 गेंदों का सामना किया है, अभी तक कोई चौका नहीं लगाया है। ये गेंद करीब करीब यॉर्कर कर दिया था और भाग्यशाली रहे, पुनः किनारा नहीं लगा विकेट की, बाकी का पूरा काम किया विकेट कीपर ने और गेंद वापस लौटा दी है गेंदबाज अश्वत को। ये गेंद अश्वत को लेग साइड पर खेल दिया है जब तक गेंद को फील्ड किया जाता। शॉर्ट मिड ऑन के फील्डर के द्वारा बैट्समैन ने एक रन दौड़कर पूरा कर लिया और इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 20 एक विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज हैं कप्तान जितेश, जिन्होंने 13 रन बनाए हैं। ये गेंद करीब करीब चकमा खा गए, बहुत ही बढ़िया लोअर ट्रेजेक्टरी की गेंद थी, बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आया कुंजन को और पूरी तरह वीट हो गए और विकेट कीपर ने बहुत सफाई से कलेक्ट किया गेंद को, वापस कर दिया है बॉलर को। और अपने ओवर बहुत ही बढ़िया होता है जब दोनों बैट्समैन को समझा रहे हैं स्वप्निल कुछ। स्वप्निल काफी देर से खेल रहे हैं, 15 गेंदों का सामना कर लिया है, कुछ समझा रहे हैं कुंजन को और बहुत ही बढ़िया गेस्चर होता है क्रिकेट के लिए जब आपका, और इससे काफी कॉन्फिडेंस गेन करते हैं बैट्समैन, तो बहुत ही बढ़िया गेस्चर क्रिकेट के लिए। ये गेंद कट करना चाहते थे पॉइंट पर, सीधे कप्तान हसन के हाथ पे, बाला के गेंद हाथ में और कोई रन नहीं। तो इसी के साथ पांच ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर है 20 रन एक विकेट के नुकसान पर। 25 ओवर का यह मैच है।
प्रीमियर लीग फाइनल मैच जो कि रेडबैक्स और सीडब्ल्यू थंडर के बीच खेला जा रहा है। अभी तक अगर मैच का लेखा जोखा बता दूं मैं, देख इनकर बहुत ही स्लोअर डिलीवरी थी, पूरा समय था बैट्समैन सुपनील के पास, ऑन साइड पर खेला और जब क्या गेंद को फील्ड किया जाता एक रन दौड़कर पूरा कर लिया और एक रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 21-21, लॉस ऑफ वन विकेट इन 5.1 ओवर। सामने है बल्लेबाज कुंजन, लंबे काठेगत के खिलाड़ी, ये गेंद पुनः लेग साइड पर और इसी के साथ हवा में उछाल दिया है अपने हाथों ने अंपायर ने और इसी के साथ वाइड, तो अतिरिक्त दूसरा रन आ चुका है और इस अतिरिक्त के साथ स्कोर जा पहुंचा है 22 रन 22, लॉस ऑफ वन विकेट विद सिक्स्थ ओवर इन प्रोग्रेस। सुबू इज बॉलिंग थर्ड ओवर ऑफ हिज कोटा, कुंजन प्लेड टुवर्ड्स ऑन साइड, गॉन फॉर द चिकी सिंगल एंड ही कंप्लीटेड सेफली, सो विद दिस सिंगल स्कोर मूव टू 23, लॉस ऑफ वन विकेट। पिच थोड़ा सा आउटफील्ड थोड़ा सा गीला है, बार बार गेंद को टॉविल से पोच कर दे रहे हैं, थोड़ा सा स्किट हो रही है, गेंद पकड़ना मुश्किल हो रहा है स्विम को, देखते हैं स्पिनर जब लाए जाएंगे तो क्या कुछ होता है। सुबू राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद स्वप्निल को ऑन साइड पर खेला, चलते ही रन बैठा और रन का सारा चांस हो सकता था पर पूरी तरह से सफाई से गेंद उठा नहीं पाए और थ्रो नहीं कर पाए और बहुत ही बढ़िया रनिंग विद द विकेट, कितनी तारीफ की जाए स्वप्निल की उतनी कम, गेंद को खेलते के साथ ही रन के लिए भाग गए थे, काफी जोखिम भरा हो सकता था पर किस्मत भी बहादुरों का साथ देता है और स्वप्निल अपने क्रीज पर सुरक्षित पहुंच चुके हैं। इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर जबकि छठा ओवर चल रहा है मैच का। ये गेंद कुंजन को और पुनः वाइड, तो इस ओवर में दूसरा अतिरिक्त रन आ चुका है वाइड के रूप में, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, सम्मान दिया, मिसफील्ड हुआ, रन लेना चाहते थे स्वप्निल पर कुंजन पूरी तरह तैयार नहीं थे, दूसरी तरफ देख रहे थे, बैट्समैन की तरफ निगाहें नहीं बना जमा रखी थी, नॉन स्ट्राइक रन पर अदरवाइज एक रन हो सकता था आराम से। तो अभी भी स्कोर रुका है 25 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर। ये गेंद और ये चांस हो सकता है, बहुत ही बढ़िया कैच, असाधारण, बहुत ही बढ़िया डाइव करते हुए कैच लिया और इस तरह से दूसरा विकेट का पतन हो गया, बिल्कुल भी पता नहीं था वहां पर फील्डर प्लेस कर रखा है, कुंजन ने सीधे सॉफ्ट डिसमिसल होकर आउट आ रहे हैं और इस तरह से दूसरा विकेट का पतन हो चुका है, तो दूसरे विकेट के रूप में कुंजन आउट होकर वापस आ रहे हैं। कुंजन ने दो रन बनाए, 6-5 गेंदों का सामना किया, स्लोअर डिलीवरी को चेक नहीं कर पाए, हवा पर खेल दिया और बहुत ही बढ़िया स्क्वायर लेग पर कैच, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, अभी तक दोनों ही के बहुत ही बढ़िया फील्डिंग कर रहे हैं रेडबैक्स के फील्डर, दोनों ही जो भी कैच मिल रहे हैं अभी तक केवल एक कैच छोड़ा है विकेट कीपर ने और तब तक दो कैच है उन्होंने बहुत ही बढ़िया लपके हैं, तो दूसरे विकेट का पतन हो चुका है, आउट होने वाले बल्लेबाज हैं कुंजन। So, दूसरी विकेट का पतन 25 रन के स्कोर पर हो चुका है चेक सीडब्ल्यूटी का।
शुक्रिया। कुंजन का स्थान ले रहे हैं, कुंजन जो कि दो रन बनाकर आउट हो गए हैं। स्क्वायर लेग पर खड़े फील्डर को चेक नहीं कर पाए और हाथों पे सीधे मार बैठे। बहुत ही बढ़िया कैच की आगे तरफ डाइव करते हुए कैच पकड़ा था। बहुत ही मुश्किल होता है इस तरह के कैच पकड़ने जब आपको फॉरवर्ड डाइव करना होता है, और बहुत ही सफाई से लिया गया कैच। तो स्कोर 25 रन दो विकेट के नुकसान पर सीडब्ल्यूटी का। शिवो को मृत्यु हुई दूसरी सफलता। ये गेंद सूर्या को और हॉप बली पर लिया, ड्राइव किया ऑफ साइड पर कवर की तरफ, कोई रन नहीं। तो इसी के साथ 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर है 25 रन दो विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज हैं जितेश जिन्होंने 13 रन बनाए और कुंजन जिन्होंने 2 रन बनाए। तो गेंदबाजी में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। नए गेंदबाज श्रीराम राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। और सामने है बैट्समैन स्वप्निल। बहुत ही बढ़िया गेंद, ये गेंद स्वप्निल को और अनइवन बाउंस मिल रहा है। ऑन साइड पर खेला, एक रन के लिए भाग गया। एक रन के साथ इसके साथ स्कोर जा पहुंचा है 26 रन। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं श्रीराम। ये गेंद हवा पे खेल दिया और तेज दोनों फील्डर को चकाते हुए गेंद निकल गई, फिर फील्ड हुआ पर एक ही रन मिलेगा। और इस एक रनों के साथ स्कोर जो पहुंचा है 27 दो विकेट के नुकसान पर। और इसके साथ ही सूर्या ने अपना खाता खोला। सो सूर्या हैज स्टार्टेड विद द सिंगल, स्टार्टेड हिज स्कोर विद द सिंगल। ये गेंद स्वप्निल को और ऑन साइड पर खेल दिया, हवा में थी थोड़ी गेंद पर कोई फील्डर नहीं। और इसके साथ एक रन कंप्लीट कर लिया। इस एक रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 28। अगर स्वप्निल के व्यक्तिगत स्कोर की बात करें तो 9 रन बनाकर खेल रहे हैं। अभी तक कोई चौके नहीं छक्के नहीं लगाए अपने पारी। ये गेंद शॉर्ट थर्ड मैन पर खेला सूर्या ने। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। तो बहुत ही बढ़िया ओवर श्रीराम का, एक ओवर में 4 रन खर्च किए।
Mishra ji, may I join you? Yes, the commentary box. So we have our English commentator. Doing a good job, Mishra ji. Tough batting conditions, but... batting conditions, and Redbacks have got two big fish there, Chitesh Sinha and Kunjan Nakre, or Cracking Willows. It's still got a lot of depth. The Willows. We have seen a very good running between the wicket. Swapnil played with soft hand and gone for the single. Very cheeky single, and they completed comfortably. Yes, the feisty Swapnil Shah is still there. Can do the hard running, can hit the big shots too. He's biding his time, no doubt. Assessing the conditions. Redbacks have been doing great so far. Getting rid of Jitesh Sinha, for whom the outfield doesn't matter. And Kunjan. तो सूर्य के बल्ले से निकला था पहला मैक्सिमम डीप पॉइंट वाइंडर के ऊपर से 6 रन लगाया था और 6 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा था 39 सो स्कोर मूव टू 39 लॉस ऑफ 2 विकेट्स
सुरेश और सूर्या, और इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 50, तो इस तरह से 50 रन पूरे हो गए हैं CWT के। थोड़ा सा चोट आया है उनको, क्षमा करें बॉलर को, थोड़ा सा चोट आया है, गेंद बहुत तेजी से थ्रो किया गया था। तो अभी तक का लेखा जोखा बता देना चाहता हूं, CWT की ये मैच जो कि यॉर्कर प्रीमियर लीग प्लेट ग्रुप का खेला जा रहा है, फाइनल 30 ओवर का मैच था, पर कुछ वर्षा बाधित हुआ इसके कारण मैच की कटौती की गई है ओवरों में, और ये मैच 25 ओवर का खेला जा रहा है। रेडबैक्स के कप्तान बाला ने टॉस जीता था और पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला लिया था, काफ़ी हद तक उनके फैसले सही भी साबित हुए थे, काफ़ी जल्दी सफलता मिल गई थी पहले ही, जबकि कप्तान जितेश 13 रन के बनाकर आउट हो गए थे, लंबा शॉट खेल रहना चाहते थे और ऑन साइड ऑफ साइड पर बहुत ही मिड ऑफ पर बहुत ही बढ़िया कैच किया गया था, ज़्यादा हवा पर खेल बैठे थे। इसके बाद दूसरे बल्लेबाज कुंजन जो कि बहुत देर तक विकेट पर टिक नहीं पाए, 2 रन बनाए थे, बहुत ही बढ़िया कैच किया था उनका स्क्वायर लेग पर खड़े फील्डर ने, तो पुनः मैच प्रारंभ हो रहा है कुछ विराम के पश्चात। तो 10.4 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर है 50 दो विकेट के नुकसान पर, दोनों ही बैट्समैन जो कि स्वप्निल सामना करेंगे श्री राम का। ये गेंद स्वप्निल को ढीले हाथ से खेला, रन लेना चाहते थे, बहुत ही चीते की तरह फुर्ती से गेंद के ऊपर झपटे थे फील्डर और किसी भी प्रकार की रन की संभावना को कैंसिल किया, तो स्कोर अभी भी रुका है 50 रन दो विकेट के नुकसान पर, जबकि 11वां ओवर चल रहा है पारी का। ये गेंद बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर और एम्पायर को कोई भी दिक्कत नहीं वाइड करार देने में, इसके साथ अतिरिक्त रन आया है, 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 51-51 लॉस ऑफ 2 विकेट्स। ये गेंद LBW के पर आउट, तो स्वप्निल को LBW करार दे दिया है, थोड़ा सा टाइम लिया का एम्पायर मोहन ने और आउट करार दिया, इस तरह से स्वप्निल LBW आउट होकर वापस आ रहे हैं, और तीसरे विकेट का पतन, तो श्रीराम ने आखिरकार आखिरी गेंद पर विकेट ले ही लिया, तीसरे ओवर पे उनको सफलता मिली है, पहली सफलता मिली है उनको, स्वप्निल जो कि बहुत बढ़िया खेल रहे थे 14 रन बनाकर वापस आ रहे हैं मैदान से बाहर, तो इस तरह से तीसरा विकेट का पतन हो गया है CWT का, स्कोर है 51 रन लॉस ऑफ 3 विकेट्स। तो तीनों ही बैट्समैन, दोनों ही प्रारंभिक जोड़ी मैदान से वापस आ चुके हैं पवेलियन पर, yeah, I thought Swapnil went right across for that delivery, it was pretty straight, probably the single he didn't get in the previous delivery made him to play it a bit more squarer, and he missed the line completely. James Riley is the new man in. It's the end of over number 11, 51 for 3. Not bad given the conditions, although a couple of wickets could have been avoided. It's 7 and
Driven nicely, and James Riley is heading back for the second, comfortably done. They're going to do a lot of running, the boys out there, with the outfield not helping. It's not the full delivery, and it's smacked away for six over Cow Corner. It's Surya again. Surya's into the groove. Carrying on from the century he made in the qualifiers. There's some doubt about the no ball, but he's a very tall man. Good looking cover drive, but straight to the fielder at extra cover. तो सूर्या के बल्ले से आखिरी गेंद पर निकला था दूसरा छक्का, दूसरा मैक्सिमम, और इस तरह छह रनों के साथ सूर्या का व्यक्तिगत स्कोर जा पहुंचा है 23 रन. ये गेंद और पुनः जीवन दान मिला है, तो दूसरा जीवन दान मिला है सूर्या को, और इस सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा है 60 लॉस ऑफ 3 विकेट्स, और सूर्या का व्यक्तिगत स्कोर जा पहुंचा है 24 रन. क्वालिफायर्स राउंड में सेंचुरी लगाया था और करीब करीब उसी इनिंग की पुनरावृत्ति कर रहे हैं, और सामने हैं नए बैट्समैन जेम्स. जो कि स्वप्निल का स्थान ले रहे हैं, स्वप्निल जो कि LBW आउट हुए थे श्रीराम की गेंद पर. जेम्स मुआयना कर रहे हैं पूरे फील्डर्स का. और ये गेंद थर्ड मैन की तरफ खेल दिया है, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता तेजी से दूसरा रहना चाहते थे जेम्स. सूर्या ने मना किया और बहुत ही बढ़िया, बहुत तेज बिल्कुल विकेट कीपर के हाथों में थ्रो आया. खैर विकेट कीपर सफाई से कलेक्ट नहीं कर पाए, फिर भी कोई अतिरिक्त रन नहीं आई, एक रन ही मिलेगा. इस एक रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 61 लॉस ऑफ 3 विकेट्स. ये गेंद सूर्या को पुनः स्ट्रेट ड्राइव किया, जब तक लॉन्ग ऑफ के फील्डर गेंद को फील्ड करते हैं बैट्समैन ने एक रन पूरा कर लिया, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति. तो 12 ओवर के समाप्ति के पश्चात 62 लॉस ऑफ 3 विकेट्स. सो टू नॉट आउट बैट्समैन सूर्या, हु स्कोर 25 रन्स, ही प्लेड 21 बॉल्स, टू मैक्सिमम्स, नो फोर्स. जेम्स जिन्होंने अभी अभी पारी का आगाज किया है, एक रन बनाकर खेल रहे हैं, एक गेंदों का सामना किया है. श्रीराम की ये गेंद बहुत ही आकस्मिक उछाल मिल रहा है, और बहुत मुश्किल हो रहा है श्रीराम की गेंद को खेल पाना, तो कैसे भी कर करके ओवर निकालना चाहते हैं श्रीराम का, और दूसरे बॉलर पर टारगेट कर रहे हैं सूर्या. ये गेंद ऑफ साइड पर खेला, पर शॉर्ट कवर पर गेंद को फील्ड कर लिया गया, कोई रन नहीं. तीसरी गेंद, लगातार तीन गेंदों पर कोई रन नहीं आया है. श्रीराम बहुत ही चतुराई का गेंद कर रहे हैं, बिल्कुल भी गेंद पे गति नहीं दे रहे हैं.
फुल टॉस गेंद और ये सूर्या के पल्ले से निकलता हुआ तीसरा मैक्सिमम सीधे दर्शक दीर्घा पर, तो सूर्या के पल्ले से निकलता हुआ तीसरा सिक्सर, तीसरा मैक्सिमम सीधे दर्शक दीर्घा पर, किसी भी फील्डर के पास कोई चांस नहीं था। फुल टॉस गेंद थ्री और पूरी तरह से चार्ज किया गेंद को और लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारा गया छक्का, तो बहुत ही बड़े बड़े सिक्स लगा रहे हैं सूर्या, पुनरावृत्ति कर रहे हैं अपने पिछले मैच का। और इस छह रनों के साथ सूर्या का व्यक्तिगत स्कोर जा पहुंचा 31 रन, 25 गेंदों का सामना किया है। और स्टेडियम से बाहर मार दिया है छक्का, इतना लंबा छक्का था कि स्टेडियम से बाहर तीन या चार फील्डर्स बॉल को सर्च करने के लिए जा रहे हैं बाहर। बहुत ही बड़ा मैक्सिमम लगाया गया है सूर्या के बल्ले से, थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा इस शॉट को, अगले गेंद पर यूज कर सकते हैं। ये गेंद सूर्या को इस बार ऑफ साइड पर कवर बाउंड्री के बाहर चार रन, तो जैसे ही बल्ले से ये शॉट निकला चार रनों की मोहर लगा दी थी इस पर, और सूर्या के बल्ले से निकलता हुआ पहला जमीनी शॉट, तो पहला चौका सूर्या के बल्ले से आया है। अभी तक तीन आसमानी शॉट मारे थे और इस बार जमीन के सहारे मार दिया गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर चार रनों के लिए, तो इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा है 35 रन, जबकि 13वां ओवर प्रगति पर चल रहा है। तो बहुत ही आक्रामक साबित हो रहे हैं सूर्या, दो जीवन दान मिले थे, एक विकेट कीपर ने कैच छोड़ दिया था, एक कॉटन बोल्ट का कैच छोड़ा था। ये गेंद पुनः कवर की तरफ खेला, भाग्यशाली रहे। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, तो थोड़ा सा महंगा ओवर साबित हुआ श्रीराम का। और इसी के साथ ड्रिंक्स ब्रेक, तो 13 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर है 72 रन CWT का 3 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज हैं कप्तान जितेश जिन्होंने 13 रन बनाए, स्वप्निल जिन्होंने 14 रन बनाए थे और कुंजन जिन्होंने 2 रन बनाए, तो ये तीनों ही बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं। और दोनों ही दो बैट्समैन जो कि नॉट आउट बैट्समैन हैं वो हैं जेम्स जो 1 रन बनाकर खेल रहे हैं और सूर्या 35 रन बनाकर खेल रहे हैं। तो लेट्स बैक टू द स्टूडियो फॉर सम म्यूजिक।
something about the way you move that thing. Something very special. Welcome back after this break, and here's the live update. CWP score 72-1, loss of 3 wickets, Inter fine 5-4. 13 overs. Score 13 overs. So again, changing the bowling. They brought up their opening bowling, Aswat, and this time the striker batsman is James, who scored a single run. He placed only one delivery. Again, James ko offside par khelna cha rahe the, karara shot. Balle mein puri tarah time nahi kar paya, again ko miss kar diya. Aur wicket keeper se bhi thodi si fumble hui, par koi bhi run nahi. To score abhi bhi ruka hua hai, 72 run, 3 wicket ke nuksan par. Again, James को और पुणे मिसफील्डिंग और इसी के साथ तेजी के साथ रहा, एक रन दौड़कर पूरा कर लिया, तो बाई के रूप में ये आता हुआ यह रन, और इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 73, लॉस ऑफ 3 विकेट्स, 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर है 73 रन, और अब सामने है विस्फोटक बल्लेबाज सूर्या. अभी तक बहुत ही बड़ा विस्फोट किया है, 3 छक्के लगाए हैं गगनचुंबी और एक चौका लगाया है अपने 35 रन के पारी पर. ये गेंद अश्वत की थोड़ी सी टर्न हो रही है और थोड़ा सा अनियमित उछाल भी मिल रहा है. पूरी तरह सम्मान दे रहे हैं सूर्या. और ऐसा लग रहा है ये बहुत बड़े तूफान की पहले की खामोशी है. तो इस सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा है सूर्या का 36 और टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 74 रन 3 विकेट के नुकसान पर. ये गेंद और पुणे मिसफील्ड हुआ विकेट कीपर से और बहुत
विकेटों के बीच बहुत तेज दूसरा रन लेना चाहते थे। बहुत ही बढ़िया थ्रो आया, सपाट थ्रो सीधे विकेट कीपर के दस्तानों पर। और जब तक गेंद को वापस फील्ड किया जाता बैट्समैन के पास पूरा समय था, चहलकदमी करते हुए एक रन पूरा कर लिया। ये गेंद डाउन द ट्रैक आकर खेलना चाहते थे बैट्समैन, बॉलर ने अश्वत ने चेक कर लिया था, आगे निकल खेलना चाहते थे, थोड़ा सा लोअर गेंद को खींच लिया और कोई भी रन नहीं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। तो 14 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर है 75 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी क्रीज पर मौजूद हैं सिर्फ बैट्समैन सूर्या, जो कि 36 रनों के बेहतर स्कोर पर खेल रहे हैं, 36 रन्स, और उनका साथ दे रहे हैं जेम्स, जिन्होंने 2 रन बनाए हैं। श्रीराम अपने ओवर, अपने कोटा का आखिरी ओवर डालने के लिए तैयार। ये गेंद ऑन साइड पर खेला, कोई रन नहीं, कप्तान के हाथों में गेंद। किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं लेना चाहते बैट्स, दोनों ही बैट्समैन। जब भी ढीली गेंद मिलती है पूरी तरह सजा देते हैं गेंद को, सही दिशा पर मारकर, और जब भी मौका होता है सिंगल डबल्स लेते रह रहे हैं। ये गेंद बहुत ही बढ़िया क्षेत्र रक्षण वहां पर पॉइंट पर खड़े फील्डर के द्वारा। रन लेना चाह रहे थे सूर्या, आखिरी वक्त पर अपना इरादा बदला और अपने पैर क्रीज पर खींच लिए। ये गेंद क्षमा करें, सामने है बैट्समैन मिलर जेम्स। और पुनः बहुत ही बढ़िया कैच, तो जेम्स के रूप में एक सफलता प्राप्त कर लिया है। तो चौथे विकेट का पतन हो चुका, बहुत ही बढ़िया कैच, पुनः अपनी बाईं ओर डाइव लगाते हुए कैच पकड़ा और जेम्स 2 रन बनाकर वापस आ रहे हैं क्रीज पर पवेलियन। चौथे विकेट का पतन हो चुका है, नए बैट्समैन बालाजी, जो कि जेम्स के आउट होने के बाद क्रीज पर हैं। और इसी के साथ श्रीराम के 5 ओवर संपन्न हुए इस कोटे के। उन्होंने 5 ओवर पर 1 रन 20 रन दिए हैं और 2 विकेट प्राप्त किए हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण विकेट अर्जित किए थे।
अश्वत पुनः तैयार अपने कोटा का आखिरी ओवर फेंकने के लिए। तो स्कोर की बात करें, रन संख्या की बात करें, तो 15 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर है 75 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट्स, तो 5 रन पर ओवर की गति से रन बनाए जा रहे हैं। और मैंने जैसा कहा था, और ये हवा पर खेल दिया है, बहुत देखते हैं फील्डर कैच, और आखिरी वक्त पर कैच पकड़ लिया, तो मिड लॉन्ग ऑन पर, लॉन्ग ऑफ पर कैच पकड़ा गया, बहुत ही बढ़िया। और सूर्या जो कि बहुत ही आतिशीय पारी खेल रहे थे, हवा पर खेल बैठे गेंद को, छक्का लगाना चाह रहे थे, पूरी तरह से जज नहीं कर पाए गेंद को, मिस टाइम हुआ स्कोर, और हवा पर खेल बैठे गेंद, और लॉन्ग ऑफ पर खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं की, तो भी 5 विकेट का पतन हो चुका है। सूर्या जिन्होंने 36 रन बनाए हैं, 3 छक्के लगाए अपने पारी पर, 1 चौका लगाया, वापस आ रहे हैं पवेलियन पे। तो क्राउड्स आर रोरिंग, बहुत ही सपोर्ट है दोनों ही टीम के लिए, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे। तो गेंद ने ऊंचाई ज्यादा लिया लंबाई के जगह पर, और आउट होकर और कैच कर लिए गए। तो इस तरह से सूर्या जो कि गोकुल के हाथों कैच कर लिए गए थे, अश्वत की बॉलिंग पर 36 रन बनाई उन्होंने, 36 का आंकड़ा है। नए बैट्समैन अभिषेक, और पुनः, और ये आउट, बहुत ही बढ़िया कैच, तो अचानक ही मैच पर बिल्कुल तरह से ट्विस्ट आ गया है, लगातार तीसरी विकेट गाउन हो गई। तो जेम्स आउट हुए, फिर सूर्य आउट हुए, और अभिषेक बिना खाता खोले वापस आ रहे हैं। अभिषेक बिना खाता खोले वापस आ रहे हैं। और इस तरह से छठा विकेट का पतन हो चुका है। तो CWT lost 6 विकेट, lost 6 विकेट्स। अभिषेक आउट विदाउट स्कोरिंग अ सिंगल रन, सो ही गॉट अ गोल्डन डक टुडे। अमरीश रावत गॉट आउट, सॉरी फॉर दैट। सो अमरीश who got a golden duck today, and he placed only one delivery, tried to hit towards third man, but there is a fielder in the south third man, and he took a very fine catch, so which forced Amish to back to the pavilion. So score 75 runs, loss of 6 wickets. नए बैट्समैन आदर्श, ये गेंद ऑफ साइड पर खेल दिया, डीप कवर बाउंड्री की तरफ जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है, बैट्समैन ने 1 रन पूरा कर लिया, और इसके साथ आदेश ने अपना खाता खोल लिया। तो इस सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा है 76 रन। सो अश्वत ने अचानक ही मैच पर लौट दिया, और ये गेंद, और पुनः आउट, तो अश्वत को मिलता हुआ तीसरा सफलता इस ओवर पर, और पुनः कट करना चाहते थे, और लगातार 3 कैच वहीं पर लिए गए हैं, तो करीब करीब 60 की पुनरावृत्ति की जा रही है, और सभी, और बालाजी आउट होकर वापस आ रहे हैं बिना खाता खोले हुए। तो इस तरह से 7वें विकेट का पतन हो चुका है CWT का, और अचानक ही इस मैच पर पकड़ मजबूत कर लिया है रेडबैक्स के खिलाड़ियों ने,
बहुत ही बढ़िया फील्डिंग देखने को मिल रहा है। जो भी गेंद हवा पर खेली जा रही है उसको लपकने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है किसी भी फील्डर्स को। शुरू में उन्होंने 3 फंबल्स किए थे, 3 ड्रॉप जीवन दान में दिए थे। न्यू बैट्समैन अभिषेक। तो पिछले 2 ओवर पे 4 विकेट खोए हैं। CW की टीम ने और अचानक ही मैच का रुख बदल दिया है। अभी तक बहुत ही बढ़िया पारी खेल रहे थे सूर्या और मिलर जेम्स। सॉरी, ये गेंद अभिषेक को और आप साइड पर खेला जब तक मिड ऑफ द्वारा फील्ड किया जाता है गेंद को। 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया तो इन 1 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 77 77 7। सो 7 7 लॉस ऑफ 7 विकेट्स। तो 3 सते 7 7 पर 7। सोलह ओवर की समाप्ति और अश्वत का बहुत ही सफल ओवर। 5 ओवर डाले हैं उन्होंने, 14 रन कंसीडर किया है और 3 विकेट प्राप्त किए हैं और तीनों ही विकेट लास्ट ओवर प्राप्त किया था 16वें ओवर पर अश्वत ने। सो यार, प्रीमियर लीग का यह प्लेट ग्रुप का फाइनल खेला जा रहा है CWT और रेडबैक्स के बीच। रेडबैक्स के कप्तान बाला ने टॉस जीता था, पहले 6 रक्षण करने का निर्णय लिया था। तो गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है, नए गेंदबाज हैं भार्गव और पहले गेंद को ही ऑफ साइड पर ड्राइव कर दिया अभिषेक ने और 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया। इन 1 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है जोखिम भरा 77 को पार करता हुआ 78। ये गेंद आदेश को आदर्श को समा करें और आदर्श ने खेल दिया डीप कवर की तरफ जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया। क्षेत्ररक्षण में परिवर्तन किया जा रहा है। पुलटोस गेंद थी, ऑन साइड पर खेला, कप्तान बाला खड़े हैं। गेंद को फील्ड किया, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बैट्समैन के पास पूरा समय था चहलकदमी करते हुए, 1 रन पूरा कर लिया और इन 1 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 80 7 विकेट के नुकसान पर CWT का। क्रैकिंग बिलोस सो क्रैकिंग बिलो ने 4 विकेट खो दिए हैं पिछले 3 ओवर्स में और कुछ अभिषेक और आदर्श मरम्मत कर रहे हैं इनिंग का। दोनों ही बहुत ही संयम से खेल रहे हैं, सिंगल डबल लेकर स्कोर को आगे बढ़ा रहे हैं। तो भार्गव का बहुत ही बढ़िया ओवर की समाप्ति, इस ओवर पर 3 रन दिए उन्होंने और कोई भी सफलता प्राप्त नहीं की। और अब गेंदबाजी का दायित्व तो खुद कप्तान अपने कंधों पर उठाए हैं, कप्तान बाला परिवर्तन बॉलिंग में परिवर्तन करके वापस अपने आप को लगाया है। तो काफी हद तक मैच संतुलन पे ले लिया है, जिस तरह से टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला लिया काफी हद तक उनका फैसला सभी साबित होता हुआ। 7 विकेट के नुकसान पर क्रैकर बिलोज ने बना लिए हैं 80 रन। ये गेंद
ऑन साइड पर खेल दिया, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है बैट्समैन के पास पूरा समय था, एक रन दौड़ कर पूरा कर लिया। तो इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 81-81। बालक की गेंद बहुत ही बढ़िया फील्डिंग की गई अपने ही बॉलिंग पर, तो सब कुछ एग्जांपल सेट कर रहे हैं, कप्तान के तौर पर बॉलिंग भी कर रहे हैं, फील्डिंग भी कर रहे हैं, और देखना है बल्लेबाजी कैसे करते हैं वो तो समय ही बताएगा। तो अभी तक बहुत ही बढ़िया क्रिकेट देखने को मिल रहा है दोनों की टीम की तरफ से, दोनों ही टीम बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। हालांकि पहले शुरू में लगा था मैच कॉल्ड ऑफ होगा पर ऐसा नहीं हुआ, भगवान इंद्रदेव की कृपा हुई और बारिश छट गया और मैच प्रारंभ हो पाया है। पर मैच में 5 ओवर की कटौती की गई है दोनों ही टीमों के ओवरों में, तो 30 ओवर का मैच खेला जाना था, बारिश के कारण वर्षा बाधित मैच था तो 5 ओवर काट लिए गए हैं। ये गेंद ओवर पिच गेंद थी, ऑन साइड पर खेला, कोई रन नहीं। स्कोर स्टिल स्टिक टू 82, लॉस ऑफ 7 विकेट्स। ये गेंद फुल टॉस गेंद थी, ऑन साइड पर खेला, जब तक गेंद लॉग ऑन के फील्डर बाहर को फील्ड करते वापस करते बॉलर को, तब तक बैट्समैन ने एक रन पूरा कर लिया और इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 83, 7 विकेट के नुकसान पर। क्रिकेट्स बिलो का थोड़ी सी डांसिंग स्टाइल पर शॉट को खेलना चाहते और शॉट थर्ड मैन की तरफ खेल लिया गेंद को, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बैट्समैन ने एक रन दौड़कर पूरा कर लिया और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। तो बाला के पहले ओवर में 4 रन खर्च किए हैं और भार्गव अपनी ओवर लेकर अगली ओवर लेकर पवेलियन से सामने है बैट्समैन। सामने है आदर्श, और ये गेंद आदर्श के बल्ले से निकलता हुआ है, बहुत तेजी से गेंद जा रही है सीमा की रेखा बाहर, सीमा रेखा के बाहर, तो आदर्श के बल्ले से निकलता हुआ पहला ट्रैकिंग ड्राइव टुवर्ड्स डीप कवर बाउंड्री फॉर 4 रन्स, विद दिस फोर स्कोर मूव टू 88, लॉस ऑफ 7 विकेट्स। So there is cracking drive towards cover boundary for 4. तो बहुत देर के बाद चौका आया है। ये गेंद और पुनः कैच छोड़ दिया। और ऐसा लग रहा है कि कोई डांटेगा नहीं आपको, बहाने ना बनाए। तो अपने कप्तान को दिखाते हुए बहुत तेज शॉट था, बहुत छोट आया है इसलिए कैच छूट गया। और LBW की अपील, तो इस अपील में उत्साह ज्यादा था, विश्वास कम और एम्पायर की सहमति नहीं मिली। आदर्श अभी भी सुरक्षित क्रीज पर, पूरा
उन्हें है ओवर पिच गेंद, सेम शॉट सेम फील्डर एवरीथिंग सेम एक्सेप्ट द बॉल। ये गेंद ऑन साइड पर खेला स्क्वायर की तरफ, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बैट्समैन के पास पूरा मौका था, दो रन पूरा कर लिया। इस दो रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 90-90 रन। तो आदर्श शायद सूर्या की कमी को पूरा करना चाहते हैं और जरूरी भी है। तो संकट की घड़ी में अपनी टीम को उभारना चाह रहे हैं दोनों ही आदर्श अभिषेक, और इसी के साथ अतिरिक्त रन वॉइड के रूप में आया है। तो स्कोर इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 91-91। और पूरी तरह सम्मान देते हुए इस गेंद पर कोई रन नहीं, तो 19 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर है 91 रन 7 विकेट के नुकसान पर। तो हम रिमेनिंग ओवर्स की बात करें, रिमेनिंग डिलीवरीज की बात करें, तो 36 लीगल डिलीवरीज फेंके जाने बाकी हैं। 6 ओवर का गेम बचा हुआ है बल्लेबाजी के लिए क्रैकर्स बिलो का। देखते हैं क्या कुछ घटने वाला है इस 6 ओवरों में। आदर्श जो कि नॉन स्ट्राइकर इन पर हैं, 10 रन बनाकर खेल रहे हैं, और सामने हैं अभिषेक जिन्होंने 5 रन बनाए हैं 6 गेंदों का सामना किया है। गेंदबाजी कर रहे हैं कप्तान बाला, फुल टॉस गेंद थी, कोई फायदा नहीं उठा पाए, सीधे फील्डर के हाथों में मार बैठे शॉर्ट कवर के फील्डर के पास, और कोई रन नहीं। तो स्कोर अभी भी रुका हुआ है 91 रन 91 लॉस ऑफ 7 विकेट्स। ये गेंद बाला की लेग स्टंप पर भड़के पैड पर लगी गेंद, जब तक गेंद को लेग बाई का इशारा, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बैट्समैन ने एक रन दौड़कर पूरा कर लिया। तो यह अतिरिक्त रन स्कोर जा पहुंचा है 92-92 7 विकेट के नुकसान के पश्चात क्रैकर विलो का। हसन की ये गेंद आदर्श को, और आदर्श ने ऑफ साइड पर खेल दिया लॉन्ग ऑफ की तरफ, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बैट्समैन ने चहलकदमी करते हुए एक रन पूरा कर लिया, और इस एक रन के साथ आदर्श का स्कोर जा पहुंचा है 11 रन, टीम का स्कोर जा पहुंचा है 93 रन 7 विकेट के नुकसान पर, जबकि 20वां ओवर चल रहा है। और ये डेड बॉल, ये गेंद बहुत ज्यादा दिशाहीन गेंदबाजी, बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर भटके, एम्पायर को कोई दिक्कत नहीं, और अंपायर ज्योति बहुत ही सख्त हैं आज, ऑन साइड ऑफ साइड पर दोनों तरफ ही अपने हाथ उछाल देते हैं हवा पर जब भी गेंद दिशाहीन गेंदबाजी होती है बॉलर की तरफ। ये गेंद और बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, और मिसफील्ड हुआ जब तक गेंद को फील्ड किया जाता कि बैट्समैन ने एक रन दौड़कर पूरा कर लिया। तो बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, घोड़ों की तरह दौड़ सरपट दौड़ लगा रहे हैं विकेटों के बीच पर दोनों ही खिलाड़ी, और जब बाउंड्री नहीं रहा है सिंगल डबल्स लेकर स्कोर को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया क्रिकेट खेल देखने को मिल रहा है।
ये गेंद हवा पर थी, थोड़ा सा कैच लपकना चाहते थे, पूरी तरह पहुंच नहीं पाए गेंद तक, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बैट्समैन ने एक रन दौड़कर पूरा कर लिया और इस एक रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 96, 96, 7 विकेटों के नुकसान पर। आदर्श 12 रन बनाकर खेल रहे हैं, अभी से एक 6 रन बनाकर खेल रहे हैं। ये गेंद ऑन साइड पर भटके लेग स्टंप के बाहर और वाइड का इशारा। तो इस गेंद इस ओवर में दूसरा अतिरिक्त आया है वाइड के रूप में और इस वाइड के साथ स्कोर जा पहुंचा है 97 रन। ये गेंद हल्के हाथों से खेला और बहुत तेजी से सिंगल के लिए दौड़ पड़े और ओवर थ्रो हो सकता था और जहां पर एक रन होना चाहिए वहां पर दूसरा रन पूरा कर लिया बैट्समैन ने। ओवर थ्रो का पूरा फायदा उठाते हुए स्कोर साथ स्कोर जा पहुंचा है 99 रन 99, लॉस ऑफ 7 विकेट्स। तो इसी के साथ ओवर की समाप्ति, तो 20 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर है 99 रन 7 विकेट के नुकसान पर क्रैकर विलो का, क्रैकर्स बिलो का। अभी तक इनिंग के टॉप स्कोरर हैं सूर्या जिन्होंने 36 रन बनाए हैं, 3 गगनचुंबी छक्के लगाए थे और एक चौका लगाया था अपनी पारी में। और दूसरे टॉप स्कोरर हैं स्वप्निल जिन्होंने 14 रन बनाए थे। तीसरे स्कोर टॉप स्कोरर हैं आदर्श जो कि अभी भी नाबाद हैं, 12 रन बनाकर खेल रहे हैं, 17 गेंदों का सामना किया है, एक चौका लगाया है। इसके अलावा कोई भी बैट्समैन दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाया है, सॉरी क्षमा करें जितेश ने 13 रन बनाए थे, इसके अलावा कोई भी बैट्समैन ने दहाई का आंकड़ा टच नहीं किया है। सभी ने सिंगल डिजिट स्कोर किए हैं इन बैट्समैनों के अलावा। बहुत ही जल्दबाजी में लौट रहे थे, लग रहा था चाय बना हुआ रखा है ठंडा ना हो जाए, जाते गए आते गए। ये गेंद और वाइड बहुत ही ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर और बड़े आश्चर्य से पूछा और इसके साथ 100 रन पूरे, तो 100 रन बना लिए हैं क्रैकर्स विलो की टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर, जबकि 5 ओवर उनके पारी के फेंके जाने बाकी हैं। तो 30 लीगल डिलीवरीज, टॉस गेंद और ऑन साइड पर खेला और ये चौका। तो जैसे ही गेंद बल्ले से टकराई 4 रनों की मोहर लगा दी थी उस पर, फुल टॉस गेंद था, बहुत ही लूज डिलीवरी, पूरा फायदा उठाया, आमंत्रण स्वीकार किया और लोअर ट्रिजेक्टरी की गेंद को सही नसीहत देते हुए चौके के लिए खेल दिया। तो आदर्श के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा चौका, एक साइड एक चौका उन्होंने ऑफ साइड पर मारा, दूसरा चौका ऑन साइड पर मारा और इसी के साथ स्कोर के इस इनिंग के दूसरे हाईएस्ट स्कोरर बन गए हैं आदर्श चौके के साथ। ये गेंद और आउट, स्टंप कर दिया, गेंद लिया बिखेर दी जैसे ही देखा, डाउन द ट्रैक आए थे, मिस हुई गेंद और स्टंप कर दिया, गिलिया बिखेर दी, बहुत ही बढ़िया स्टंपिंग। और इस तरह से आदर्श 16 रन बनाकर वापस आ रहे हैं। तो विकेट कीपर सुरेश ने स्टंप्स कर दिया, गिल्ली बिखेर दी जैसे ही गेंद छूटा और अपने पैर बहुत कोशिश की थी पैर वापस खींचने की, सफल नहीं हुए, करीब करीब इंचेस से चकमा खा गए। बहुत ही बढ़िया विकेट कीपिंग, सफाई से गेंद को गिल्लिया बिखेर दी और एक बहुत ही कीमती विकेट, बहुत ही बहुमूल्य विकेट मिला है।
So Rohan, nay batsman, Rohan Jain. अभी भी स्कोर 104 रन 8 विकेट के नुकसान पर, जबकि 21वां ओवर चल रहा है, तो भार्गो को पहला सफलता प्राप्त हुआ है। एगेन रोहन को, और बहुत ही डिफेंसिव होकर खेल रहे हैं, पूरा सम्मान दे रहे हैं गेंद को, सही बहुत टाइट लाइन की गेंदबाजी चल रही है, बिल्कुल ही ऑफ स्टंप के ऊपर रख रहे हैं गेंदों को। ये गेंद ऑन साइड पर भटके, और इसी के साथ बैट्समैन एम्पायर ने अपने दोनों हाथ हवा में लहरा दिए हैं वाइड के रूप में, तो अतिरिक्त रन और एक रन और मिलेगा वाई के रूप में, दो रन मिलेंगे इस गेंद पर। दो रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 106 रन 8 विकेट के नुकसान पर, जबकि 21वां ओवर चल रहा है पारी का। पुनः वाइड, तो लगातार दूसरी वाइड, फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर खेला, स्ट्रेट ड्राइव किया ऑन मिड ऑफ के फील्डर, जब तक गेंद को फील्ड करते बैट्समैन के पास पूरा समय था, एक रन दौड़कर पूरा कर लिया, तो अभिषेक 9 रन पर पहुंच गए हैं। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, तो आफ्टर 21 ओवर्स स्कोर इज 108, लॉस ऑफ 8 विकेट्स। बाला गेंदबाजी करने के लिए तैयार, सामने है बैट्समैन अभिषेक। और क्रैकर विलोस का ये स्लॉग ओवर चल रहा है, 4 ओवर बाकी हैं, तो 23 लीगल डिलीवरीज फेंके जानी बाकी हैं, और इसके साथ एक रन बहुत तेज़ी से पूरा कर लिया, और इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा है 109, 109 रन 8 विकेट के नुकसान पर, जबकि कप्तान बाला अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर तेज़ी से निकली, ये गेंद ऑन साइड पर खेला, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, बहुत तेज़ी से दूसरा रन के लिए पलटे हैं, और बहुत तेज़ी से दूसरा रन भी पूरा कर लिया। तो रोहन और अभिषेक चीतों की तरह विकेटों के बीच में दौड़ लगा रहे हैं, और जहां पर एक रन होना चाहिए दो रन दौड़कर पूरा कर लिया, तो यही कहा जाता है क्रिकेट में जब आपको लंबे शॉट नहीं मिलते सिंगल डबल्स लेते रहें और स्कोर मूव करते रहें, और स्कोर जा पहुंचा है नेल्सन स्कोर 111। ये गेंद रोहन को ऑफ साइड पर खेला लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने, जब तक गेंद को फील्ड करते बैट्समैन ने एक रन दौड़कर पूरा कर लिया, और नेल्सन स्कोर को आगे बढ़ा दिया है 112 रन, तो 111 112 नाउ विद द सिंगल
Rohan moved to 3. And Abhishek is not out on 10. ये गेंद बहुत ही चिकी सिंगल बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट घोड़ों की तरह दौड़ लगा रहे हैं विकेटों के बीच पर जहां पर रन होता है वहां पर भी रन ले रहे हैं और इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 113 रन ये गेंद डीप कवर बाउंड्री की तरफ खेला बहुत ही बढ़िया फील्डिंग स्लाइड करते हुए गेंद को फील्ड किया और इसी तो इसी के साथ ओवर की समाप्ति 22 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर है 114 रन 8 विकेट के नुकसान पर और दोनों ही खिलाड़ियों के लिए कुछ संदेश भेजा है कप्तान ने बची हुई 18 गेंद पर कैसे स्ट्रेटजी खेल के साथ खेलनी है गेंदबाज हैं भार्गव और बैट्समैन हैं सामने रोहन ये गेंद रोहन को हवा में खेला गेंद नो मैन्स लैंड पर गिरी जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है दूसरा रन लेना चाहते हैं रोहन अभिषेक ने मना किया स्कोर है 115 रन 115 लॉस ऑफ 8 विकेट्स इन 22.1 ओवर ये गेंद ऑन साइड पर और बहुत ही सख्ती बरत रहे हैं एम्पायर जैसे ही लेग स्टंप पर गेंद फटकती है गेंद को वाइड करार दे रहे हैं और ये वाइड तो अतिरिक्त रन इस ये गेंद ऑन साइड पर खेला और बहुत तेजी से चतुराई से रन भाग लिया बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट मिल रहे हैं दूसरा रन लेना चाहते हैं और अब से काफी आगे तक आ गए थे मना किया हाथ उठाकर और बहुत बढ़िया कॉल क्योंकि मिड ऑफ के फील्डर बहुत तेजी से गेंद के ऊपर झपटे थे जोखिम भरा हो सकता था सही समय पर निर्णय लिया गया अभिषेक द्वारा और वापस भेज दिया रोहन को तो किसी प्रकार की क्षति नहीं स्कोर अभी भी 117 रन 8 विकेट के नुकसान पर जबकि 23वां ओवर प्रगति पर चल रहा है क्रैकर विलोज का ये गेंद रोहन को ऑफ साइड पर खेल दिया मिड ऑफ के फील्डर जब लॉन्ग ऑफ के फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करते बैट्समैन ने एक रन दौड़कर पूरा कर लिया इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 118 तो अभी भी 15 गेंदें फेंके जानी बाकी हैं अगर कोई भी वाइड या नो बॉल ना डाले जाए तो तो क्रैकिंग विलोस के बैट्समैन ने ये लंबा शॉट खेला और हवा पर और बहुत ही बढ़िया कैच तो क्रैकिंग विलो का ये विकेट का पतन हो चुका है विकेट नंबर 9 तो अभी भी 14 गेंदें खेली जानी बाकी हैं देखते हैं पूरा खेल पाते हैं नहीं अपने इनिंग्स के 25 ओवर्स और 118 पर 9वां विकेट पतन हुआ है अभिषेक जिन्होंने 10 रन बनाए वापस लौट रहे हैं पवेलियन पर तो आखिरी जोड़ी क्रैकिंग विलो का प्रांजुल
not Willows. Willow, W. Yes. Not P. Below, W? W-I-L-L-O-W. Not below. ये गेंद रोहन को और एक रन दौड़कर पूरा कर लिया तो प्रांजल ने खाता खोल लिया है, सॉरी रोहन ने एक रन लिया है और प्रांजल सामना कर रहे हैं ये गेंद और ओवर की समाप्ति। तो 23 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर है 119 रन 9 विकेट के नुकसान पर क्रैकिंग बिलोस का। शॉर्ट फॉर्म में CWT क्रैकिंग बिलोस थंडर। वर्षा बाधित फाइनल 25 ओवर का खेला जा रहा है 30 ओवर के स्थान पर और अभी तक इनिंग के 2 ओवर बाकी हैं। सो देयर इज चेंज इन द बॉलिंग नाउ। एंड दुष्यंत ब्रॉट इन टू अटैक। तो आखिरी जोड़ी मैदान पर क्रैकिंग बिलोस का। ये गेंद ऑन साइड पर गई और किस्मत का साथ लेते हुए है नो मैन्स लैंड पर गिरी, कोई फील्डर नहीं वहां पर और तीसरे बीच बैट्समैन ने तेजी से 2 रन पूरे कर लिए और इस 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 121 रन 121 लॉस ऑफ 9 विकेट्स। तो आखिरी जोड़ी मैदान पर लास्ट पेयर इन द ग्राउंड। रोहन जैन फेस कर रहे हैं दुष्यंत के गेंद का। ये गेंद ऑफ साइड पर खेला लॉन्ग ऑफ की तरफ और एक रन दौड़कर पूरा कर लिया। अब सामने है नए बल्लेबाज प्रांजुल। ये गेंद प्रांजुल को पॉइंट की तरफ से पॉइंट बाउंड्री की तरफ कट कर दिया दीप। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है बैट्समैन ने एक रन दौड़कर पूरा कर लिया और इस एक रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 122 रन। बहुत ही बढ़िया क्षेत्ररक्षण करने को मिल रहा है। कप्तान गेंद के पीछे भागते हुए उठ गए और करीब करीब बाउंड्री के 3 गज पहले गेंद को उठाया फील्ड किया तब तक बैट्समैन ने एक ही रन पूरा कर पाए। एक फाइटिंग टोटल्स खड़ा कर दिया है क्योंकि आउटफील्ड बहुत ही धीरे है बारिश की वजह से। एक संघर्षपूर्ण मैच देखने को मिलेगा। इतना स्कोर पुट अप कर दिया है बोर्ड पे क्रैकिंग बिलोस की टीम ने। अभी भी 8 गेंदें फेंके जानी बाकी। You tell him I said that.
ये गेंद अपील की और नॉट आउट करार दिया एम्पायर ने. तो 24 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर 124 रन, आखिरी 6 गेंद फेंके जाने बाकी हैं क्रैकिंग बिलोस के इनिंग का. देखते हैं क्या कुछ घटने वाला है इस 6 बचे हुए 6 गेंदों पर. बाला ये गेंद हवा पर मारना चाहते थे, बहुत तेज शॉट लगाना चाहते, मिस कर गए और कोई भी रन नहीं. स्कोर अभी भी 124 रन. ये गेंद हवा पर ऑन साइड पर बहुत तेजी से 2 रन पूरे कर लिए, बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट विकेटों के बीच. और इन 2 रनों के साथ रोहन पहुंच गए हैं 13 रन पर. तो स्कोर जहां पहुंचा है 126 रन 126. और रोहन के बल्ले से निकलता हुआ मैक्सिमम, तो ये मैच का 4th छक्का. और रोहन के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का, तो पूरी तरह से स्लॉग ओवर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और छक्का लगा दिया. लॉग ऑफ बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए. और जैसे ही गेंद बल्ले से लगाई 6 रनों की मोहर लगा दी. ये गेंद बहुत ही भाग्यशाली रहे, बाहरी किनारा नहीं लिया बल्ले का, खतरनाक हो सकता था. तो अभी भी 2 गेंदें फेंके जाने बाकी हैं. स्कोर है 132 रन 9 विकेट के नुकसान पर. एक सम्मानजनक स्कोर फाइटिंग टोटल दे दिया है. ये गेंद रोहन को ऑन मिसफील्ड हुआ. तो इस सिंगल के साथ रोहन पहुंच गए हैं 20 रनों पर, जो कि सेकंड हाईएस्ट स्कोरर हैं इनके पारी का. क्रैकिंग बिलोस के पारी का दूसरे हाईएस्ट स्कोरर हैं. और आखिरी गेंद फेंके जानी बाकी. ये गेंद प्रांजल को और कट कर दिया गेंद ने थर्ड मैन की तरफ 4 रन. तो प्रांजल ने आखिरी गेंद पर चौका लगा दिया सर, चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा है 137 रन. तो 138 रनों का टारगेट दे दिया है रेड बैक्स को. अगर ये मैच जीतना है रेड बैक्स को तो 138 रन बनाने होंगे. बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी आखिरी में देखने को मिल रहा है. 8 विकेट 9वीं विकेट और 10वीं विकेट के लिए बहुत ही बढ़िया साझेदारी देखने को मिली. और पुन इस तरह से एक फिनिश किया, बहुत ही फाइटिंग टोटल अपने बॉलरों को दे दिया है. देखते हैं क्या कुछ होने वाला है इस मैच पर आगे के इनिंग्स में. तो इसी के साथ इनिंग ब्रेक जब कर लो बस तभी से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाता है. अदिति मेरे शेर मेरे चीते, तुझे कुछ साल अकेला क्या छोड़ा, तूने इतना बड़ा झोल कर दिया. बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है. थोड़ी ही देर बाद पारी का मैं कहता हूँ लेखा जोखा बताया जाएगा. थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते. तो क्रैकिंग बिलोस के
का लिखा जोखा। जितेश कप्तान 13 रन बनाए जो कि वेणुगोपाल के द्वारा कैच कराए गए थे। सो वो गेंद पर स्वप्निल LBW आउट हुए, 14 रन बनाए थे, 32 गेंदों का सामना किया था। कुंजन जिन्होंने 2 रन बनाए थे, दुर्भाग्यशाली थे, बहुत ही बढ़िया कैच किया था स्क्वायर लेग पर भार्गव ने। सूर्या जिन्होंने बहुत ही आतिशीय विस्फोटक बल्लेबाजी की है, आज 26-36 रन बनाए हैं, 31 गेंदों का सामना किया था, 3 लंबे लंबे छक्के लगाए थे और चौका लगाया था। जेम्स 2 रन बनाकर आउट हुए, बालाजी बिना खाते खाता खोले ही वापस आए थे, अमरीश भी खाता नहीं खोल पाए थे। अमरीश जिन्होंने बिना खाता खोले वापस आ गए थे, शॉर्ट हेडमैन पर कैच कर लिए गए थे। आदर्श जिन्होंने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, स्टंप्ड हुई है सुरेश के द्वारा, भार्गव की गेंद पर 16 रन बनाए थे, 19 गेंदों का सामना किया, 2 चौके लगाए थे अपने पारी में। अभिषेक जिन्होंने काफी हद तक पारी को संभाला, गोकुल के द्वारा मिड ऑफ पर कैच कर लिए गए थे, 12 रन बनाए थे, 16 गेंदों का सामना किया। और रोहन जिन्होंने बहुत ही बढ़िया फिनिश किया, 20 रन बनाए, 17 गेंदों का सामना किया, 2 चौका और छक्का लगाया और नॉट आउट बैट्समैन, दूसरे नॉट आउट बैट्समैन थे। तो इस तरह से 137 रन बनाए हैं 9 विकेट के नुकसान पर 25 ओवर पे और 17 रन अतिरिक्त के रूप में आए हैं। अगल बालिंग की लेखा जोखा की बात करें भाई रेडबैक्स का, तो अश्वत ने 5 ओवर डाले, 14 रन कंसीडर किए, 3 विकेट, 3 बहुत ही कीमती विकेट लिए थे एक ओवर में, ये तीनों विकेट प्राप्त किया था। सुबु 4 ओवर 25 रन 2 विकेट। श्रीराम ने 5 ओवर डाले, 1 मेडन भी डाला, 20 रन दिया और 2 विकेट, बहुत ही कीमती विकेट अर्जित किए थे, बहुमूल्य विकेट। दुष्यंत ने 3 ओवर डाले, 22 रन दिए, थोड़ी से महंगे साबित हुए हैं। भार्गव जिन्होंने 4 ओवर डाला, 24 रन दिया, 2 विकेट प्राप्त किए। और कप्तान बाला ने 4 ओवर डाले, 30 रन खर्च किया, तो सबसे महंगे बॉलर साबित हुए बाला जिन्होंने 30 रन खर्च किया 7.5 की इकोनॉमी पे। तो रेडबैक्स को 138 रन बनाने होंगे ये मैच अगर जीतना है। यॉर्कर प्रीमियर लीग प्लेट ग्रुप्स का फाइनल, तो लेट्स बैक टू द स्टूडियो, हैव सम म्यूजिक एंड देन विल कम बैक आफ्टर द इनिंग ब्रेक। सो वंस रेडबैक स्टार्ट देयर इनिंग, वी वुड बी हैविंग आवर गेस्ट कमेंटेटर Let's have some music. कहते हैं शादी करने का कोई सही वक्त नहीं होती, जब कर लो बस तभी से तुम्हारा बुरा। बात तेरी बात ज्यादा बात है, बुरी बात खाली में कटोरा लेकर आलू भात।
Thin do so much. Super ultra thin, so you can fit more in. Strong enough to flex with you, but stays in place so you don't have to. Now you can break free and aim high with the leak protection you need. कहते हैं शादी करने का कोई सही वक्त नहीं होती, जब कर लो बस तभी से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाता है। अदिति मेरे शेर मेरे चीते, तुझे कुछ साल अकेला क्या छोड़ा, तूने इतना बड़ा झोल कर दिया। बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते। Fighting total considering ground condition. So now the ground condition is very good for the cricket. Outfield is becoming faster. Two new batsmen opening the inning is Rahul and Bhargav. Rahul kicking the guard. The baller first shot towards third man and gone for the single. So they started inning with a single. So score 1 run of the first ball. पहले ही गेंद पर एक रन प्राप्त कर लिया थर्ड मैन की तरफ खेलकर. तो अभी भी 137 रन बनाने हैं अगर ये मैच जीतना है तो रेडबैक्स को, जबकि दोनों ही प्रारंभिक जोड़ी मैदान पर हैं. राहुल ने अपना खुद खाता खोल लिया पहले गेंद पर और सामने है बैट्समैन भार्गव. सो समथिंग हैपनिंग इन आवर स्टूडियो. कैमरामैन फेल डाउन. आवर स्ट्रेटजिक मैनेजर्स मोबाइल फोन फेल डाउन.
So lots of fun happening in our studio. Our scorer is very busy. He's keep doing scoring in two places. He's maintaining one books, paper book, and one is in online book. ये गेंदबाला की बिल्कुल भी बिग टो को निशाना साधते हुए और बहुत ही सम्मानजनक शॉट खेला भार्गव ने और भार्गव करीब करीब याद दिलाते हुए राहुल द्रविड़ के उस शॉट का जो कि बहुत ही बढ़िया डिफेंस माना जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट में. सो दिस इज कॉल्ड फोटो बुक डिफेंस. और ये गेंद करीब करीब बल्ला अड़ा ही दिया था. बहुत भाग्यशाली रहे कि गेंद कैरी नहीं की फील्डर तक, नहीं तो अन्यथा नुकसान हो सकता था. तो इस तरह से लकी रन भार्गव ने को भी एक रन के साथ खाता खोल लिया और स्कोर जा पहुंचा है 2 रन. दोनों ही बैट्समैन एक एक रन पर नाबाद खेल रहे हैं. ये गेंद बाला की बिल्कुल विकेटों के बीच रख रहे हैं. गेंद कोई भी रूम नहीं दे रहे हैं बैट्समैन को लंबा शॉट खेलने के लिए. तो सदी हुई गेंदबाजी की शुरुआत, सदी हुई पारी की शुरुआत. टाइट लाइन से बॉलिंग कर रहे हैं और उतने ही संयम के साथ बल्लेबाजी, कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं. ये गेंद राहुल को ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे, ऑफ साइड पर गई गेंद, कोई भी रन नहीं. और इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति. तो पहले ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर है 2 रन. अभी भी 136 रन बनाने होंगे अगर रेडबैक्स को यह मैच जीतना है. तो 2 रन के स्कोर पर कोई क्षति नहीं, कोई नुकसान नहीं एक ओवर की समाप्ति के पश्चात रेडबैक्स का. अमरीश ने गेंदबाजी की शुरुआत की और पहले ही गेंद पर चकमा दिया बैट्समैन को और बैट्समैन भार्गव करीब करीब बल्ला अड़ा ही दिया था. बहुत ही किस्मत के भाग्यशाली रहे, बहुत ही लकी रहे कि बाहरी किनारा नहीं लगा. ये गेंद बहुत ही बढ़िया ऑफ साइड पर रख रहे हैं लाइन. स्कोर भी अभी रुको और ये देखिए बहुत ही बढ़िया दो फील्डर के बीच से गेंद को प्लेस कर दिया. जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बैट्समैन ने 2 रन पूरा कर लिया दौड़कर. इस 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 4 रन. तो बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट, कवर और पॉइंट के बीच से खेला गया शॉट और गेंद खुद ब खुद रुक गई. निश्चित तौर पर यह चौका होता अगर ये आउटफील्ड तेज होता तो, बारिश नहीं होती तो. पर ग्राउंड कंडीशन काफी इंप्रूव हुआ है पिछले
इनिंग के मुकाबले। ये गेंद भार्गव को पुनः ऑफ साइड पर ड्राइव करना चाहते थे, इनसाइड एज लगा, ऑन साइड पर आया गेंद और कोई रन नहीं, तो स्कोर अभी भी रुका हुआ है 4 रन, बिना किसी क्षति के, बिना किसी नुकसान के। और पुनः सम्मान दे रहे हैं भार्गव, पूरी तरह सम्मान दिया, गेंद के पीछे आए और बिल्कुल बैटों के बीचों बीच शॉट खेला ऑफ साइड पर, जब तक गेंद को फील किया जाता कोई रन नहीं, तो अभी भी स्कोर रुका है 4 रन बिना किसी नुकसान के, अभी भी जीत के लिए 134 रनों की जरूरत। ये गेंद करीब करीब हाथों पर मार ही बैठे थे स्वप्निल के, पर थोड़े से पहले गिरी और बहुत ही बढ़िया सफल ओवर की समाप्ति, इसमें भी 2 रन आए हैं, तो 2 ओवर के समाप्ति के पश्चात स्कोर है 4 रन बिना किसी नुकसान के रेडबैक्स का। तो हर ओवर के साथ रन रेट गति रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता जाएगा, तो अगर रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो 5.83 रन पर ओवर बनाने होंगे मैच को जीतना है अगर रेडबैक्स को। तो ये गेंदवाला की ओवर पिच गेंद ऑन साइड पर खेला और यह खतरनाक हो सकता था अगर डायरेक्ट स्टंप पे लगती गेंद तो, बहुत ही जल्दबाजी में लिया गया सिंगल, पर बहुत ही किस्मत के भाग्यशाली रहे, किस्मत ने पूरा साथ दिया है राहुल का, बहुत ही करीबी मामला हो सकता था अगर ये गेंद सीधे विकेटों पर लगती तो। और इस चिकी सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा है 5 रन जबकि तीसरा ओवर चल रहा है पारी का। ये गेंद बिल्कुल भी ऑफ स्टंप की गेंदों पर, ऑफ स्टंप की दिशा में पकड़ के रख रहे हैं गेंद को, बैट्समैन को कोई भी मौका नहीं दे रहे हैं लंबी शॉट खेलने का, और बैट्समैन भी संयम दिखा रहे हैं, पूरे को सम्मान के साथ गेंदों को खेल रहे हैं, जहां भी मौका मिलता है गेंद को छोड़ देते हैं विकेट कीपर के लिए, बाकी का पूरा काम विकेट कीपर करते हैं और वापस बॉलर को लौटा देते हैं। ये गेंद बहुत ही बढ़िया पंच कर दिया है डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दूसरा रन लेना चाहते थे राहुल, और भार्गव ने उन्हें सही समय पर वापस लौटाया, और अन्यथा नुकसान हो सकता था, पर किसी तरह का कोई नुकसान नहीं, इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 6 रन। More runs needed to win the match for Redbacks and they have 10 wickets in hand. बाला की गेंद फुल टॉस पर ऑन साइड पर खेला करीब करीब बिल्कुल, हाँ और बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर प्रांजल के द्वारा, तो बहुत ही बढ़िया क्रिकेट देखने को मिल रहा है, बहुत ही उत्साह से भरे हैं दोनों की टीमों के खिलाड़ी, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग देखने को मिल रही है अभी तक क्रैकिंग विलोज की तरफ से, और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी भी देखने को मिल रही है। ये गेंद पुनः ऑन साइड पर खेला, इस बार शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर से चिटकती हुई गेंद बाहर से आग, और मिड ऑन के फील्डर ने जब तक गेंद को फील्ड किया बैट्समैन के पास पूरा समय था, 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया। इस सिंगल के साथ राहुल का स्कोर जा पहुंचा है 3 रन, भार्गव खेल रहे हैं 4 रनों पर, जबकि टीम का व्यक्तिगत स्कोर है 7 रन।
ये गेंद बिल्कुल विकेटों पे निशाना साधकर गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल मिडिल और ऑफ स्टंप पर गेंद रख रहे हैं दोनों ही प्रारंभिक गेंदबाज। तो इसी के साथ है ओवर की समाप्ति, 30 ओवर के समाप्ति के पश्चात स्कोर है 7 रन। तो करंट रन रेट 2.33, रिक्वायर्ड रन रेट थोड़ा सा बढ़ता हुआ 5.95। और अमरीश पुनः तैयार दूसरे ओवर डालने के लिए। क्रैकिंग विलोज ने 137 रन बनाए थे 9 विकेट के नुकसान पर 25 ओवर पे, 36 रन बनाए थे सूर्या ने, बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाजी की थी, 3 छक्के लगाए थे और एक चौका लगाया था अपने 36 रन की पारी में। ये गेंद राहुल को और बहुत ही बढ़िया क्रैकिंग शॉट, बिल्कुल कवर और पॉइंट बाउंड्री के तरफ बीचों बीच फील्डर से, और जैसे ही गेंद बल्ले से टक रही गेंद को दोनों फील्डर को चीरती हुई गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो इसके साथ पारी का पहला चौका राहुल के बल्ले से आता हुआ, इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा है 11 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि 3.1 ओवर का गेम खेला जा चुका है। ये गेंद अमरीश की सम्मान देते हुए सीधे फील्डर के हाथों में मारा, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर, अभी स्कोर रुका हुआ है 11 रन, जबकि चौथा ओवर चल रहा है पारी का। तो अभी तक बहुत ही धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों ही प्रारंभिक जोड़ी रेडबैक्स के, राहुल और भार्गव। ये गेंद ऑन साइड पर भटके और पहला तो खाता खुल गया अतिरिक्त का भी, लेग साइड पर भटके और वाइड का इशारा, एम्पायर मोहन को अपने हाथ उछालने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, हाथ लहराया और वाइड का इशारा कर दिया। तो अतिरिक्त रन का भी स्कोर खुल चुका है, खाता खुल चुका है। ये गेंद और पुनः लगातार दूसरा वाइड, इस बार ऑफ साइड के बाहर, ऑफ साइड के तो ऑफ बहुत ज्यादा बाहर थी ऑफ साइड पर गेंद, और अंपायर को कोई भी हिचकिचाहट नहीं, कोई भी संदेह नहीं, कोई भी शंका नहीं वाइड करार देने में इस गेंद को। तो इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 13-13 विदाउट एनी लॉस, बिना किसी नुकसान के। ये गेंद राहुल के बल्ले से लगातार और फिर से इस बार मिड ऑन और कवर के बीच से लगाया गया चौका, दंदनाती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर निकल गई। तो राहुल बहुत ही खतरनाक साबित हो रहे हैं, भार्गव इस बार भार्गव के बल्ले से लगाया गया चौका, क्षमा करें राहुल ही नहीं लगाया था शॉट, भार्गव को समझा रहे हैं। तो राहुल के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा चौका, और कोई भी जोखिम नहीं ले रहे हैं, पूरी तरह जमीन से जमीन को चूमती हुई गेंद जा रही है, किसी भी फील्डर को हिलने का मौका नहीं दे रहे हैं। ये गेंद ऑन साइड पर गई, इस बार किस्मत का साथ दिया, ऑन साइड ऑफ साइड पर खेलना चाहते थे गेंद, ऑन साइड पर लगी इनसाइड एज कर, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बैट्समैन के पास पूरा समय था, 2 रन दौड़कर पूरा कर लिया। इन 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 19 विदाउट एनी लॉस, जबकि चौथा ओवर चल रहा है इनिंग का। ये काफी महंगा ओवर साबित हो रहा है, अभी तक 12 रन कंसीडर कर चुके हैं, दे चुके हैं इस ओवर पे अमरीश, कप्तान कुछ समझाते हुए अमरीश को। बहुत एक्सपेक्टेशन है कप्तान को अमरीश से, बैटिंग भी कुछ खास नहीं कर पाए थे आज।
ये गेंद करीब करीब बल्ला अड़ा ही दिया था। तो रेडबैक्स का स्कोर है 19 रन बिना किसी नुकसान के। अभिषेक इज द बॉलर नॉट अमरीश नो अभिषेक। निश्चित तौर पर क्षमा चाहूंगा, मैं बॉलिंग कर रहे थे अभिषेक। अभिषेक बॉलिंग कर रहे थे ना कि अमरीश, क्षमा चाहेंगे। तो थोड़ी सी त्रुटि हुई थी थोड़ी सी, और हमारे स्कोर ने उस त्रुटि को तुरंत ही सही कर दिया है। बालाजी अपने कोटे का तीसरा ओवर डाल रहे हैं, और आखिरी ओवर अभिषेक का बहुत महंगा साबित हुआ था। राहुल 17 रन बनाकर खेल रहे हैं 12 गेंदों पर। बालाजी बहुत ही सदी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल ऑफ स्टंप के गेंद लाइन पर गेंदबाजी कर रहे हैं। बैट्समैन को कोई मौका नहीं दे रहे हैं बिग शॉट्स मारने के लिए, लंबे लंबे शॉट खेलने के लिए रूम बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं ड्राइव करने के लिए भी। पर उतनी ही तारीफ करनी पड़ेगी बैट्समैन की। पूरा संयम दिखा रहे हैं, और ये गेंद कवर पर खेला बहुत ही बढ़िया शॉट कवर पर फील्डिंग कप्तान जीतेश के द्वारा, डाइव करती हुई गेंद को रोका। तो 4.3 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर है 23 रन। सो आफ्टर 4.3 ओवर्स स्कोर इज 23 विदाउट एनी लॉस। राहुल हु इज ऑन 17 एंड भार्गव हु इज ऑन 4। ये गेंद पुनः जीतेश के हाथों पर, और बहुत ही बढ़िया फील्डिंग कर रहे हैं जीतेश। और पुणे बहुत ही बढ़िया क्रैकिंग ड्राइव, इस बार पॉइंट और कवर के बीच से खेला गया चौका। तो इस बार भार्गो के बल्ले से निकलता हुआ चौका, और पहला चौका है भार्गो के बल्ले से। तो इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा है 27 रन 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात। तो 5 गेंदों पर पूरी तरह सम्मान दिया और छठे गेंद पर चौका लगा दिया। यही कहा जाता है क्रिकेट का, जब भी आपको लूज डिलीवरी मिले, जैसे ही देखा शॉर्ट पिच बेल गेंद थी, पूरी तरह बैक पड़ गए और पंच कर दिया गेंद को पॉइंट बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। तो अगर ये मैच
क्रैकिंग विलोस को जीतना है तो विकेट लेने होंगे। बिना विकेट लिए तो यह मैच नहीं जीता सकता जाता बिना विकेट लिए मैच नहीं जीता जा सकता क्योंकि इतना बड़ा स्कोर नहीं है और दोनों ही प्रारंभिक जोड़ी बहुत ही समझदारी से आगे खेल रहे हैं, कोई जोखिम नहीं ले रहे हैं। पूरी अभी तक शॉट देखने को मिल रहा है, पूरी तरह जमीनी शॉट खेल रहे हैं ग्राउंड के सहारे। और गेंदबाजी में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। सो गेंदबाजी में परिवर्तन किया है, रोहन जैन को लाया है। रोहन जैन जिन्होंने बहुत ही बढ़िया बैटिंग की थी और ये गेंद लेग साइड लेग स्टंप के बाहर और वाइड और तीसरा रन लेना चाहते, खतरनाक साबित हो सकता है और दौड़कर तीन रन भी पूरा कर लिया तो वाइड गई सारा। इस गेंद पर चार रन मिलेंगे, तीन वाई के रूप में और एक वाइड के रूप में। रोहन दिशाहीन गेंदबाजी, लेग स्टंप पर भटके और विकेट कीपर भी गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बैट्समैन तीन रन दौड़कर पूरे कर लिए। ये गेंद रोहन की बहुत ही बढ़िया लाइन, इसी लाइन पर गेंदबाजी करनी होगी, बल्कि बैट्समैनों से कुछ गलती कराना होगा। बहुत बड़ा स्कोर नहीं है पर डिफेंडिंग टोटल है, एक दो विकेट गेंद का पड़ला बदल सकता है, काफी कुछ बैलेंस मैच। पूरा दारोमदार इस जोड़ी पर है और ऑन साइड पर गेंद फार्गो ने खेला, एक रन के लिए दौड़कर निकल पड़े और इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 32 रन बिना किसी नुकसान पर जबकि छठा ओवर चल रहा है। तो रिक्वायर्ड रन रेट 5.44, करंट रन रेट 5.82 चल रहा है। और पुनः दिशाहीन गेंदबाजी, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, बहुत ज्यादा बाहर और वाइड का इशारा। ये गेंद स्ट्रेट ड्राइव किया था बॉलर ने, अपने ही बॉलर थ्रो पर गेंद को फील्ड कर लिया, कोई भी रन नहीं इस गेंद पर। तो स्कोर अभी भी रुका हुआ है 33 बिना किसी नुकसान के, छठा ओवर प्रोग्रेस पर है। सो सिक्स ओवर इन प्रोग्रेस। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, जेम्स के द्वारा और जेम्स जो कि बहुत ही लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी हैं, अपने बाएं तरफ डाइव करते हुए गेंद को फील्ड किया। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। तो ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर है 34 रन बिना किसी नुकसान के, 6 ओवर की समाप्ति। करंट रन रेट है 5.67 और रिक्वायर्ड रन रेट थोड़ा सा डाउन चल रहा हुआ है पिछले दो ओवर्स में 5.47। तो बहुत ही बढ़िया पारी की शुरुआत की है रेडबैक्स के दोनों ही प्रारंभिक जोड़ी ने। बाला अपनी पारी का चौथा ओवर अपने
कोटे का चौथा ओवर डालने के लिए तैयार। ये गेंद बहुत ही सम्मानजनक डिफेंसिव स्ट्रोक खेला ऑफ साइड पर, कप्तान जितेश ने गेंद को फील्ड किया, कोई रन लेने की संभावना नहीं। ये गेंद ऑन साइड पर खेला, रन लेना चाहते थे प्रांजल, बहुत तेज गेंद, बहुत तेजी से गेंद के ऊपर झपटे और किसी भी प्रकार की रन की संभावना को खत्म कर गया। तो स्कोर अभी भी 34 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि सातवां ओवर चल रहा है पारी का। बालाजी अपने कोटे का चौथा ओवर डाल रहे हैं। ये गेंद ऑन साइड पर भटके और जैसे ही गेंद को, शॉर्ट गेंद थी बिल्कुल ही टाइम लेकर, स्क्वायर लेग के ऊपर से मार दिया चार रनों के लिए। तो राहुल बहुत ही खतरनाक साबित हो रहे हैं, राहुल के बल्ले से निकलता हुआ ये चौथा चौका और इस चौके के साथ राहुल का व्यक्तिगत स्कोर जा पहुंचा है 22 रन, 18 गेंदों का सामना किया है और टीम का स्कोर जा पहुंचा दिया है 38 रन बिना किसी नुकसान के। तो जैसे ही लेग स्टंप पर भटके, शॉर्ट गेंद थी, पूरी तरह पुल कर दिया गेंद को चार रनों के लिए। ये गेंद ऑफ स्टंप पर और बहुत ही ज्यादा, बहुत ही बढ़िया सम्मान दे रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया चेक कर गेंद खेल रहे हैं। जब शॉर्ट गेंद होती है, जब खराब गेंद होती है तो उसी पर शॉर्ट ले रहे हैं और अच्छी गेंदों का पूरा सम्मान दे रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया क्रिकेट खेल रहे हैं दोनों ही प्रारंभिक जोड़ी और बहुत ही खुश होंगे उनके कप्तान। आज टॉस जीता, पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया, काफी हद तक उनका निर्णय सही साबित हुआ। ये गेंद बोल्ड हो गए, पूरी तरह चकमा खा गए ओवर पिच गेंद पर और यॉर्क कर बैठे अपने आप को और स्टंप बोल्ड हो गए। तो राहुल जिन्होंने बहुत ही बढ़िया पारी खेल रहे थे 22 रन बनाकर आउट हो गए, बोल्ड कर दिया बालाजी ने और बालाजी को पहला सफलता मिलता हुआ। बहुत ही टाइट लाइन गेंदबाजी कर रहे थे, एक दिशाहीन गेंदबाजी की थी जिसको चौका लगाया था ऑन साइड पर और दूसरे बहुत ही बढ़िया कम बैक, बोल्ड कर दिया सीधे। तो 22 रन बनाकर राहुल वापस आ रहे हैं, चार चौके लगाए इस 22 रनों पर और 38 रन के स्कोर पर पहला विकेट जा गिरा है रेडबैक्स का। नए बैट्समैन अश्वथ, बहुत ही बढ़िया इनिंग खेल रहे थे, बहुत ही बढ़िया पारी खेल रहे थे और एक गेंद पर चुके और बोल्ड हो गए। तो क्रैकिंग विलोज को पहली सफलता मिली है, अभी भी 9 विकेट लेने बाकी हैं इस मैच को जीतने के लिए। क्रैकिंग विलोज ने पहले बैटिंग करते हुए 137 रन बनाए थे 9 विकेट के नुकसान पर। हाईएस्ट स्कोरर उनके बैट तरफ से सूर्या जिन्होंने 36 रन बनाए थे, रोहन जिन्होंने आखिरी में बहुत बढ़िया फेंसिंग किया था 20 रन बनाए थे, आदर्श ने 16 रन बनाए थे और 13 रन बनाया था अभिषेक ने, 13 रन बनाए थे कप्तान जितेश ने भी। इसके अलावा कोई भी बैट्समैन दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाया था। तो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन अब अश्वथ स्ट्राइक लेंगे जो कि राहुल की जगह पर मैं क्रीज पर पहुंचे हैं और सामने हैं बॉलर बालाजी। ये गेंद जोरदार अपील और एम्पायर की सहमति नहीं इस अपील पर, एम्पायर सेड नॉट आउट। तो बैट्समैन अश्वथ अभी भी सुरक्षित क्रीज पर, बहुत ही क्लोज का, बहुत ही क्लोज कॉल था पर बहुत बढ़िया डिसीजन एम्पायर मोहन का। निश्चित तौर पर आप स्टंप मिस कर रही थी गेंद।
तो इसी के साथ बाला का सक्सेसफुल ओवर समाप्त हुआ। बाला ने चार ओवर की गेंदबाजी की है, 13 रन खर्च किए हैं और एक विकेट प्राप्त किया है। रोहन बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेटों के बीच पर रख रहे हैं। पहला ओवर दो अतिरिक्त रन खर्च किए थे, तो पहले ओवर में 7 रन खर्च किया था उन्होंने, 4 रन अतिरिक्त के रूप 5 रन अतिरिक्त रूप में आए थे उनके ओवर पे और 2 रन बैट से आए थे। तो एक विकेट लेने के बाद काफी उत्साहित नजर आ रही है क्रैकिंग विलोज की टीम और काफी हद तक वापसी कर रहे हैं मैच पर। अगर एक दो विकेट और जल्दी जल्दी झटक लेते हैं तो काफी कुछ मैच पर वापसी करेंगे, क्योंकि अभी तक अगर मैच की बात की जाए तो थोड़ा सा बैलेंस लग रहा है, थोड़ा सा तराजू का पड़ला देखा जाए तो रेडबैक्स की तरफ झुका हुआ लग रहा है। पर क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा गेम है और कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और इसके साथ जोरदार अपील और एम्पायर ने अपना धैर्य नहीं खोया, नॉट आउट करार दिया, अपने स्थान से हिले भी नहीं। तो एम्पायर ज्योति के ऊपर कोई भी असर नहीं, अपने निर्णय पर अडिग। गेंद भार्गो को ऑन साइड पर भटके और भार्गो ने गेंद को खेल दिया है स्क्वायर लेग की तरफ, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बैट्समैन ने 2 रन पूरे कर लिए। तो स्कोर इन 2 रनों के साथ स्कोर जहां पहुंचा है 40, अभी भी जीत के लिए 98 रन बनाने हैं बचे हुए 17.2 ओवर्स में। ये गेंद और यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, दोनों बैट्समैन पर सिंगल लेना चाहते थे, अश्वत ने भार्गव को मना किया, तो कोई भी रन नहीं इस गेंद पर। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, तो 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर है 40 रन, करंट रन रेट है 5.00 पर ओवर और रिक्वायर्ड रन रेट है 5.76। तो बचे हुए 17 ओवर में 98 रन बनाने होंगे अगर ये मैच जीतना है रेडबैक्स को, और अगर क्रैकिंग बिलोस को ये मैच जीतना है तो 9 विकेट अर्जित करने होंगे। बालाजी को परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, अभी भी आखिरी ओवर डालने के लिए तैयार अपने कोटे का बालाजी। कप्तान अभी भी विश्वास दिखा रहे हैं बालाजी पर, उन्होंने 4 ओवर फेंके हैं, 13 रन खर्च किए हैं और एक विकेट प्राप्त की है राहुल के रूप में, जो कि बहुत ही खतरनाक साबित हो रहे थे। ये गेंद हॉप बॉली पर लिया, ड्राइव किया ऑन साइड ऑफ साइड पर, कोई भी रन नहीं, सीधे अभिषेक के हाथों में गेंद पहुंची। ये गेंद ऑन साइड पर खेला, मिड ऑन पर गेंद फील्ड किया गया, कोई रन नहीं।
तो बहुत ही टाइट लाइन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं बालाजी। ये गेंद और बल्ला अड़ा दिया और आउट। तो बालाजी को मिलता हुआ दूसरा सफलता। और अभी से अश्वथ जो बिना खाता खोले ही वापस आ रहे हैं, गोल्डन डक बनाया है अपनी टीम के लिए। तो इस तरह से दूसरा विकेट का पतन हो चुका है रेडबैक्स के। अश्वथ बिना खाता खोले वापस आ रहे हैं, तीन गेंदों का सामना किया और कॉट बिहाइंड आउट हुए। तो विकेट कीपर कुंजन ने कोई गलती नहीं की और बालाजी ने दूसरी सफलता दिलाई है। अपने कप्तान के विश्वासों पर खरा उतर रहे हैं। सो कॉट गुंजन बोल्ड बाय बालाजी। सो बालाजी हैज टेकन सेकंड विकेट फॉर हिज टीम। बल्लेबाजी से कुछ खास नहीं कर पाए थे आज बालाजी ने, शून्य बनाया था, पर गेंदबाजी से बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक दो विकेट अर्जित कर लिए हैं अपने टीम के लिए और 13 रन खर्च किए हैं अपने कोटे पे। तो काफी कुछ मैच में ट्विस्ट ला दिया है, कंट्रोल ला दिया है। दोनों ही अब तराजू पे पड़ले बराबर पड़ल महसूस हो रहे हैं दोनों ही। विनायक पूरी तरह सम्मान दे रहे हैं बालाजी के गेंदों का। बालाजी बहुत ही टाइट लाइन से बॉलिंग कर रहे हैं। अभी तक पांच गेंदों पर कोई रन खर्च नहीं किया है और एक भी सफलता अर्जित की है इस ओवर में। तो अगर मैं बॉलिंग का लेखा जोखा की बात करूं, 4.5 गेंदों पर 13 रन खर्च किए हैं, 2 विकेट अर्जित किए हैं बालाजी ने। और गली को फील्डर को हटा लिया गया है, शॉर्ट मिड विकेट पर लगाया गया है फील्डर को। और पहले सिप को गली की दिशा में लगा दिया गया है। परिवर्तन देखने को मिल रहा है फील्डिंग पे। स्वप्निल को थोड़ा सा स्क्वायरिस कर दिया है, थर्ड मैन की तरफ भेज दिया है डीप पॉइंट की तरफ से। ये गेंद ऑन साइड पर एलबीडब्ल्यू गेंद पर आउट। तो एलबीडब्ल्यू आउट होकर वापस आ रहे हैं विनायक। तीसरी सफलता दिलाई है बालाजी ने और अपने आखिरी गेंद पर एक विकेट और अर्जित कर लिया। तो पांच ओवर 13 रन और 3 कीमती बहुमूल्य विकेट अर्जित किया है अपनी टीम के लिए बालाजी ने। तो इस तरह से उनके कोटे के 5 ओवर समाप्त हुए। गेंदबाजी विश्लेषण की बात करें तो 13 रन खर्च किए हैं अपने कोटे के 5 ओवर में और 3 कीमती विकेट अर्जित किया है। पहले राहुल का विकेट लिया जो कि काफी खतरनाक साबित हो रहे थे, 22 रन बनाए थे। फिर अश्वथ को विकेट कीपर कुंजन के हाथों कैच करा दिया जो कि खाता भी नहीं खोल पाए थे। और विनायक जो LBW आउट हुए बिना खाता खोले। तो इस तरह से 3 विकेट अर्जित किए हैं बालाजी ने और अपने आखिरी ओवर पर 2 विकेट अर्जित किया। कप्तान ने पूरा विश्वास जताया उन पर और उनके विश्वास पर, अपने कप्तान के विश्वास पर पूरी तरह खरा उतरते हुए बालाजी ने यह ओवर समाप्त किया। तो मैच
बहुत ही बैलेंस है दोनों ही टीमों में, कुछ भी नहीं कहा जा सकता कौन इस मैच को जीत सकता है। 3 विकेट अर्जित कर लिए हैं 40 रन के स्कोर पर क्रैकिंग विलोज की टीम ने। सो देयर इज अ वेरी गुड क्रिकेट गोइंग ऑन, बोथ द टीम्स आर, सो द मैच इज इक्वली बैलेंस्ड। And there isn't change in the bowling. आदर्श को वापस आदर्श को लगाया है कप्तान ने। तो आदर्श जिन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की थी, 16 रन बनाए थे, 2 चौका लगाया था अपनी पारी में, अब गेंदबाजी का दायित्व दिया है कप्तान ने। देखते हैं अपने दायित्व का कैसे निर्वहन करते हैं अपने इनिंग में। ये गेंद ऑन साइड पर खेला, ये गेंद ऑन साइड पर फटके और बैट्समैन ने 2 रन दौड़कर पूरा कर लिया। बहुत ही रनिंग, बहुत ही बढ़िया रनिंग में 2 विकेट और वाइड का इशारा। तो ज्योति ने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए और वाइड का इशारा कर दिया। तो बहुत ही सख्त है एम्पायर लेग साइड पर, थोड़ी भी दिशाहीन गेंदबाजी होती है वाइड करार देते हैं। तो आखिरी गेंद पर 3 रन अर्जित किए थे और ये पुनः लगातार दूसरी वाइड, पुनः लेग साइड लेग स्टंप पर भटके गेंद और वाइड करार दिया एम्पायर ज्योति ने। स्कोर 44 रन और इसी के साथ ऑन साइड पर खेल गेंद को खेल दिया है स्क्वायर लेग की तरफ। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बैट्समैन ने 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया। नए बैट्समैन दुष्यंत जो कि विनायक के आउट होने के बाद आए हैं। हिज निकनेम इज दुसी और बहुत ही स्लोअर डिलीवरी, पूरी तरह चकमा खा गए, गेंदों को रोल कर दिया था फिंगर्स को अपने गेंद पर। तो बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, अगर ये अतिरिक्त रनों की बात छोड़ दिया जाए तो बहुत ही टाइट लाइन रख रहे हैं आदर्श। ऑन साइड पर खेला गेंद को, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता डीप स्क्वायर लेग के फील्डर के द्वारा बैट्समैन के पास पूरा समय था, 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया और इस 1 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 46-46 लॉस ऑफ 3 विकेट्स। और गेंदबाजी में पुनः परिवर्तन देखने को मिल रहा है और नए बॉलर प्रांजुल को वापस लाया जा रहा है पवेलियन इंड से। प्रांजुल जिन्होंने आखिरी गेंद पर चौका लगाया था थर्ड मैन की तरफ पारी में। हमारे कैमरामैन प्रदीप निश्चित ही धन्यवाद के पात्र हैं। स्कोरर थिरु जो कुछ भी स्टार्ट, और इस गेंद को थर्ड मैन की तरफ खेल दिया है गेंद को, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है बैट्समैन ने 2 रन दौड़कर पूरे कर लिए।
तो लेट कट खेला गया, आखिरी समय तक गेंद को देखा और बल्ला अड़ा दिया थर्डमैन की तरफ। तो जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बैट्समैन, हमारे कैमरामैन प्रदीप, स्कोरर थिरू बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, जो भी स्टैटिक्स मैं आपको दे पा रहा हूं जस्ट बिकॉज ऑफ थिरू। ये गेंद रन आउट हो सकते हैं, बहुत जोखिम भरा हो सकता है और बहुत तेजी से वापस आए, काफी खतरनाक कॉल हो सकता था। बिल्कुल भी नॉन स्ट्राइकर एंड से भार्गव बहुत आगे तक निकल गए थे, बिल्कुल भी सारा नहीं समझ पाए थे स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज दुष्यंत। तो बहुत ही बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप पर और गेंद को आखिरी वक्त पर देखते रहे, छोड़ दिया, खेलने का इरादा नहीं किया और विकेट की बाकी का पूरा काम किया विकेट कीपर कुंजन ने। बहुत ही बढ़िया दूधिया रोशनी में नहाया हुआ पूरा ग्राउंड। क्रिकेट के लिए बहुत ही आदर्श परिस्थितियां हैं यहां पर यॉर्कर स्पोर्ट्स क्रिकेट ग्राउंड पर, दुधिया रोशनी पर नहाया हुआ मैदान और उसके ऊपर चांद देखा जा सकता है। मून राइजिंग जस्ट अबव द टावर। और ये गेंद बहुत ही करारा शॉट लगाया और उतने ही बढ़िया क्षेत्र रक्षण देखने को मिल रहा है। डाइव करते हुए गेंद को जेम्स ने उठाया और सीधे दिस्थानों पे फेंक दिया विकेटकीपर, बहुत ही बढ़िया क्षेत्र रक्षण। निश्चित तौर पर अपनी टीम के लिए तीन रन बनाए हैं जेम्स, तीन रन बचाए हैं जेम्स ने। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, स्लाइड करते हुए अपनी दाई तरफ दौड़ लगाया, गेंद को डाइव करके रोका जितनी, और इसी के साथ 50 रन पूरे हो गए रेडबैक्स के 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग कप्तान जितेश के द्वारा, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, सारे ही खिलाड़ी पूरी तरह ऊर्जावान लग रहे हैं, बहुत ही उत्साहित लग रहे हैं और एक टीम स्पिरिट देखने को मिल रही है। जहां भी मौका मिल रहा है अपने टीम के लिए रन बचा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया क्षेत्र रक्षण देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ और ये देखिए मून जो कि फ्लड लाइट्स के जस्ट ऊपर देखा जा सकता है, देखा जा सकता है दुधिया रोशनी में नहाया हुआ ग्राउंड, ऊपर से मून जो कि चंद्रमा, चंद्रमा मामा राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट, पूर्व की दिशा से निकलता हुआ चंद्र चांद। सो फ्लड लाइट्स के अलावा एक और लाइट है चांद की, मून की लाइट है जो काफी हद तक हेल्प कर रही है दोनों ही टीमों के खिलाड़ी को बॉल को देखने के लिए। ये गेंद फुल टॉस लिया और वहां पर फंबल हो गई, तो पहली बार मिस फील्ड देखने को मिल रहा है क्रैकिंग विलोस की तरफ से, फील्डर की तरफ से पहली बार मिस फील्ड और मिस फील्ड देखने को मिल रहा है फील्डर अभिषेक के द्वारा। तो अभिषेक से गेंद छिटक सी गई और इस बीच बैट्समैन ने 2 रन पूरा कर लिया। There is appeal for RBWR given. तो इस तरह से दुष्यंत भी LBW करार दिए गए, लग
लेग बिफोर द विकेट, पग बांधा आउट होकर वापस आ रहे हैं दुष्यंत। पूरी तरह से फ्लाइट से चकमा खा गए और बहुत ही स्लोअर ट्रिजेक्टरी की गेंदबाजी कर दी और पूरी तरह अक्रॉस द लाइन चले गए थे, सीधे मिडिल स्टंप पर पकड़े गए और एम्पायर ज्योति को कोई भी हिचकचाहट नहीं हुई आउट करार देने में। तो इस तरह से चौथी सफलता अर्जित कर ली है क्रैकिंग विलोस की टीम ने। आदर्श को पहला सफलता मिला है, तो अपने कप्तान के उम्मीदों पर खरा उतरते हुए आदर्श जिन्होंने सफलता दिलाई है। अभी भी भार्गव काफी सेट लग रहे हैं, 14 रन बनाकर खेल रहे हैं और नए बल्लेबाज कप्तान बाला पूरा का पूरा दायित्व उनके कंधों पर आ गए हैं और एक कप्तान की जिम्मेदारी भरी पारी खेलनी होगी अगर अपने मैच को, अपने टीम को जीत दिलाना है तो। तो यहां पर फ्लडलाइट्स के अलावा एक और लाइट देखा जा सकता है चांद के रूप में, बहुत ही बढ़िया खिलता हुआ खिलखिलाता हुआ चांद खेल। बारिश हुई थी आज यहाँ पर सिंगापुर पर, इकलौता ग्राउंड है जिसपे फ्लडलाइट्स पर मैच खेला जा सकता है और दुधिया रोशनी पर नहाया हुआ पूरा मैदान, बहुत ही बढ़िया क्रिकेट की अनुकूल परिस्थितियां हैं इस ग्राउंड पर। इतनी बारिश हुई थी तुरंत ग्राउंड्समैन ने बहुत बढ़िया वर्क किया और ग्राउंड को पर तब्दील कर दिया खेलने के लायक। ये गेंद आदर्श की और ड्राइव किया और कप्तान जितेश चीते की तरह गेंद के ऊपर झपटे और किसी भी प्रकार की रन की संभावना को खत्म कर दिया। तो फील्डिंग की जमावट, शॉर्ट थर्ड मैन पॉइंट, डीप बैकवर्ड पॉइंट, कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, ये गेंद लेग स्टंप पर भटके और बाइट गई सारा। तो लेग स्टंप पर बहुत ही सख्ती से बरत रहे हैं हमारे एम्पायर्स, बहुत ही ज्यादा। तो चार विकेट खो चुके हैं ये गेंद ऑफ साइड पर खेला कप्तान बाला ने, बहुत ही बढ़िया क्षेत्ररक्षण इस बार, कोई भी गलती नहीं करी और सफाई से गेंद को उठाया। कप्तान जितेश को समझा रहे हैं आदर्श को। ये गेंद ऑन साइड पर खेला मिड ऑन की तरफ, बहुत ही बढ़िया क्षेत्ररक्षण किया गया और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। तो एक सफलतम ओवर समाप्त हुआ आदर्श का जिसमें इन्होंने विकेट अर्जित करी थी। एल्बो पग बांधा आउट किया था बैट्समैन दुष्यंत को। तो स्कोर 12 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर है 54 रन। इस ओवर के पश्चात ड्रिंक्स ब्रेक होगा और बचे हुए 12 ओवर का आंखों आपको तो प्रांजल अपनी पारी का दूसरा, अपनी इनिंग, अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और सामने है बैट्समैन भार्गव जो कि 14 रन बनाकर खेल रहे हैं। ये गेंद भार्गव को ऑफ साइड पर गेंद को पंच कर दिया है डीप कवर पर, जेम्स के द्वारा गेंद को फील्ड किया गया, वापस विकेट कीपर के दस्तानों पर लौटा दिया जब तक बैट्समैन ने एक रन दौड़कर पूरा कर लिया और इसी रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 55 5 5 लॉस ऑफ 4 विकेट्स।
सो जेम्स रैली जो कि एक महीने पश्चात ही पिता नए प्रमोशन हुआ है उनका पारिवारिक जीवन में पिता बने हैं, एक महीने पहले ही पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई है उन्हें, पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है, क्षमा करें। सो जस्ट वन मंथ अगो जेम्स बिकेम फादर ऑफ वन लिटिल एंजल, जस्ट वन मंथ अगो, सो इज गोइंग टू थ्रो अ पार्टी टू ऑल दी आई नीड टू चेक विथ हिम पर्सनली, आई विल गो विथ हिम फॉर द पार्टी। बहुत ही बढ़िया लोअर ट्रैजेक्टरी गेंद, कुछ भी समझ में नहीं आया और यही है अनइवन बाउंस, बिल्कुल चकमा खा गए कप्तान बाला। यस इट्स गुड फॉर बॉलर नॉट फॉर गुड बैट्स। ये गेंद बहुत ज्यादा ऑफिस टाइम पर भटके और पुनः बाइट की का ही सारा, तो अतिरिक्त रन के रूप में आता हुआ रन, बैट से तो बहुत मुश्किल हो रहे हैं रन आने, तो अतिरिक्त के रन पे अतिरिक्त के रूप में ही रन आ रहे हैं और इस अतिरिक्त रन के साथ एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 56 रन 4 विकेट के नुकसान पर, तो करंट रन रेट 4 रन पर ओवर और रिक्वायर रन रेट थोड़ा सा बढ़ता हुआ। ये गेंद प्रंजल की ऑन साइड लेग स्टंप पर भटकी और पुनः लगातार दूसरा वाइड, तो जैसा कि मैं बार बार पुनरावृत्ति कर रहा हूं लेग स्टंप पर बहुत ही स्ट्रिक्ट है एम्पायर, जैसे ही गेंद लेग स्टंप की तरफ भटकती है कोई भी मुश्किल नहीं होता उन्हें वाइड करार देने में, तो इस तरह से दूसरी अतिरिक्त रन इस ओवर में लगातार दो अतिरिक्त रन के रूप में रन आए हैं प्रंजल, जिन्होंने 1.3 ओवर की गेंदबाजी की है, 8 रन अभी तक खर्च किए हैं और बहुत ज्यादा वाइड करार दी, करीब करीब 4 वाइड के रूप में रन दे दिया है। ये गेंद हसन को लॉफ्टेड शॉट खेला है पॉइंट बाउंड्री की तरफ, डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ 4 रन और 30 गज यार्ड्स के ऊपर से पॉइंट बाउंड्री के ऊपर से खेल दिया गेंद को 4 रन, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं इस गेंद को रोकने के लिए, और सर चौके के साथ स्कोर जहां पहुंचा है 61 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट्स, 13 ओवर इन प्रोग्रेस, तो बाला ने अपने पारी का आगाज किया है चौके के साथ और बहुत बड़ा दायित्व है उनके कंधों पर, कप्तानी भरी पारी खेलनी होगी उन्हें। So he has a huge responsibility. This time played towards onside. Ball travelling towards boundary, but couldn't reach it. Fielded the ball, and by the time batsman completed 2 runs. So with these 2 runs, his score moved to 63. Loss of 4 wickets. बाला बिल्कुल भी कप्तानी भरी पारी खेल रहे हैं, उन्हें अपने जिम्मेदारी का एहसास है, अपने दायित्व का एहसास है, गेंदबाजी में थोड़ी से महंगे साबित हुए थे। और मैच मैदान पे थोड़ी सी खामोशी है, बहुत ही बैलेंस मैच है, दोनों ही टीम का बराबर पड़ला भारी है इस मैच पर, किसी भी करवट ये मैच बदल सकता है, किसी भी करवट मैच मोड़ ले सकता है, तो बहुत ही बढ़िया एक बैलेंस क्रिकेट देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ ड्रिंक्स ब्रेक, तो अभी तक का गेम बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहा है, दोनों ही टीमों ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है, अगर गेंदबाजी की बात करें बैटिंग की बात करें दोनों ही बराबर पड़ला भारी, दोनों ही तरफ से बैलेंस है मैच, तो अगर क्रैकिंग बिलोस को यह मैच जीतना है तो 6 विकेट और अर्जित करने होंगे बचे हुए 12 ओवर्स में, और अगर रेडबैक्स को यह मैच जीतना है तो बचे हुए
12 ओवर्स में 75 रन बनाने होंगे जीत के लिए, जबकि उनके दोनों ही नॉट आउट बैट्समैन कप्तान बाला जो कि 6 रन बनाकर खेल रहे हैं, 9 गेंदों का सामना किया है, एक चौका लगाया था, पॉइंट बाउंड्री के ऊपर से खेला गया था शॉट। भार्गव जो कि ओपनिंग बैट्समैन है बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं, 15 रन बनाया है, 35 गेंदों का सामना किया है और एक चौका लगाया है अभी तक अपनी पारी में। सो टाइम फॉर म्यूजिक नाउ, लेट्स हैव सम म्यूजिक मस्ती फन। So we have our technical manager Sam over here. Again, our cameraman fell down. This is So this happened second time. So welcome back after the drinks break. So there is change in bowling now. Captain himself bowling. So first time in this match. And our cameraman Pradeep fell down again. So the second time in a day. He's a heavy drinker, I think so. So can we have our English commentator? तो बचे हुए ये गेंद ऑन साइड लेग स्टंप पर भटके और वाइड का इशारा, तो एक रन अतिरिक्त
स्कोर इस अतिरिक्त के साथ जा पहुंचा है 64 रन। जितेश बहुत ही बढ़िया गेंद, अनइवन बाउंस देखने को मिल रहा है, बिल्कुल बहुत ही चतुराई से गेंद रैना के स्टाइल पर बॉलिंग करते हैं, बिल्कुल ही आखिरी वक्त पर गेंद को छोड़ देते हैं। भार्गव जो कि सेट बैट्समैन, और ये गेंद हवा पर खेला और मुश्किल हो सकता था अगर ये कैच कैरी कर जाती तो। भार्गव को बहुत बड़ा इनिंग और बहुत बढ़िया थ्रो, डायरेक्ट ही विकेटों पर ला लगा, तो बहुत ही बढ़िया थ्रो सीधे विकेटों के बीच पे टकराया पर कोई नुकसान नहीं, बैट्समैन सुरक्षित अपने गेंद पर पहुंच चुके थे 2 रन लेकर। तो भार्गव इस 2 रनों के साथ इस उनका स्कोर जा पहुंचा है 17-17 रन, हालांकि 38 गेंदों का सामना किया है तो स्ट्राइक रेट बिलो 50 है उनका। सो रिक्वायर्ड रन रेट 7.7676 पर ओवर। ये गेंद चहलकदमी करती हुई गेंद को ऑन साइड पर खेला, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता मिस फील्ड हुआ, दूसरा रन लेना चाहते थे, तेजी से गेंद के ऊपर झपटे रोहन और किसी भी रन की संभावना को, दूसरे रन की संभावनाओं को खत्म किया। तो बहुत बढ़िया बैकअप कर रहे हैं, एक दूसरे को बहुत बढ़िया बैक कर रहे हैं सारे साथी प्लेयर, जो कि क्रिकेट के लिए बहुत अनुकूल माना जाता है। ये गेंद विकेटों पर टक रही और लेग स्टंप मिस कर रही थी एम्पायर का सारा, नॉट आउट करार दिए गए कप्तान बाला। स्कोर 67 रन, 4 विकेट के नुकसान पर अभी हुई थोड़ी मंजिल दूर। जीत के लिए 71 रन बनाने होंगे, हल्के हाथों से खेला और 1 रन के लिए भाग पड़े, बहुत ही बढ़िया रन बिटवीन द विकेट। जितनी तारीफ की जाए भार्गव की उतनी कम, जैसे ही देखा धीरे हाथों से खेला, कॉल किया अपने कप्तान को और 1 रन के लिए दौड़ बैठे। तो इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 68 और इसी के साथ विकेट कीपिंग में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बाला जिन्होंने बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की है, 5 ओवर में 13 रन कंसीडर किए थे, खर्च किए थे और 3 बेस कीमती भी बहुमूल्य विकेट लिए थे, विकेट कीपिंग कर रहे हैं और कुंजन शायद गेंदबाजी करेंगे। तो 14 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर है 68 रन और गेंदबाज आदर्श ये गेंद डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ खेल दिया सिंगल्स के लिए और 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया कप्तान बाला ने। दोनों ही टीम के लिए बहुत सपोर्ट मौजूद है ग्राउंड पर। ये गेंद फुल टॉस गेंद थी, ऑन साइड पर खेला भार्गव ने, कुंजन जब तक गेंद को फील्ड करते बैट्समैन ने 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया और भार्गव एक तरह से सीट एंकर का रोल खेल रहे हैं। ये गेंद ऑन साइड पर खेला सो 67 रन्स नीडेड इन 10.3 ओवर्स।
ये गेंद भार्गव को, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग स्वप्निल के द्वारा। भार्गव सी टैंकर का रोल खेल रहे हैं, कर रहे हैं अदा, एक तरफ से विकेट को संभाल के रखा है। ये गेंद ऑन साइड पर खेल दिया और बालाजी के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा चौका। क्षमा करें, भार्गव के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा चौका। So with this, with the help of this boundary, score moved to 75, loss of 4 wickets. Very good batting again by Bhargo, and he's gone for the single. Play towards offside. By the time fielder fielded the ball, batsman completed single. So with this score, with the single, Bhargo moved to 24. So 76, loss of 4 wickets in 15 overs. So now 62 runs needed in 60 balls. So required run rate is 6.20 per over. थोड़ी सी खामोशी छाई है मैच पर। ये गेंद ऑन साइड पर खेला भार्गव ने एक रन के लिए, और भार्गव ने आज बहुत ही बढ़िया बॉलिंग भी की थी, दो विकेट अर्जित किए थे अपनी टीम के लिए, और अभी भी 25 रन पर अभिजीत खेल रहे हैं। 44 गेंदों का थोड़ा सा स्टीडी बैटिंग की है। ये गेंद बाला को और करीब करीब चकमा खा गए थे बाला, कट करना चाहते थे, आखिरी वक्त पर अपना इरादा बदला। ये गेंद ऑफ साइड पर खेला, एक रन दौड़कर पूरा कर लिया, तो कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहते दोनों ही बल्लेबाज। सिंगल डबल से मैच स्कोर्स को आगे मूव कर रहे हैं, और जब भी मौका मिलता है बाउंड्री लगा देते हैं। तो एक साहसी पारी, समझबूझ की पारी खेली जा रही है दोनों ही बैट्समैन की तरफ से। और ये गेंद भार्गव को ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया, और गेंद अपने आप रुक गई है। तो जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है, बैट्समैन तीसरा रन लेना चाहते हैं, जोखिम भरा हो सकता था, और बहुत ही आसानी से पूरा कर लिया। तो जहां पर तीन रन बहुत ही समझदारी की बैटिंग कर रहे हैं, बहुत ही सूझबूझ भरी बैटिंग देखने को मिल रही है। कोई भी बड़ा शॉट नहीं लगाना था, जैसे लूज डिलीवरी मिलती है उसको। तो इस तीन रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 81। बहुत ही सेंसिबल क्रिकेट खेल रहे हैं बाला, कप्तानी भरी पारी, दायित्व भरी पारी, जिम्मेदारी भरी पारी खेल रहे हैं कप्तान। कप्तान को ये गेंद और बाइट गई सारा, थोड़ी सी दिशा से भटके, ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर थी गेंद, और बाइट करार दी गई।
बाला बहुत ही बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, बहुत ही सेंसिबल इनिंग खेल रहे हैं दोनों ही बैट्समैन। और भार्गव की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, बहुत निश्चित तौर पे प्रशंसा के पात्र हैं भार्गव। एक तरह से विकेट छोड़, एक छोर से विकेट बचा के रखा है अपनी टीम के लिए, 28 रन बनाकर खेल रहे हैं, 45 गेंदों का सामना किया था, बहुत बढ़िया गेंदबाजी करी थी आज उन्होंने, 2 विकेट अर्जित किए थे अपनी टीम के लिए जब बॉलिंग कर रहे थे। तो अभी भी 9 ओवर पर 56 रन बनाने हैं, 6.2 रन रिक्वायर्ड रन रेट है, तो 54 गेंदों पर 56 रन। और गेंदबाजी में परिवर्तन, अभिषेक को वापस लाया है कप्तान जितेश ने और गेंदबाजी फील्डिंग में परिवर्तन किया जा रहा है। अभिषेक जो कि पहले स्पेल पे थोड़ी महंगे साबित हुए थे, ओपनिंग दूसरे छोर से गेंदबाजी करी थी, ओपनिंग दूसरा ओवर थोड़ा महंगा साबित हुआ था जिसमें राहुल ने लगातार 3 बाउंड्री लगाए थे। तो ये मैच बिल्कुल भी तराजू बिल्कुल भी एकदम दोनों तरफ से बैलेंस है। आने वाले 2 ओवर पर मैच का रुख तय होगा किस तरफ गेंद खेलते, और इस तरफ ऑन साइड पर खेला भार्गव ने, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता रोहन के द्वारा बैट्समैन ने 2 रन दौड़कर पूरे कर लिए, और इस रन 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 84 रन 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि 17वां ओवर चल रहा है। अभिषेक अपने कोटे का 3रा ओवर डाल रहे हैं, अभिषेक अपने हिस्से का 3रा ओवर डाल रहे हैं, एक बॉलर 5 ओवर चल डाल सकता है। ये गेंद भार्गव को और पुणे मिस फील्ड हुआ और गेंद सीमा रेखा के बाहर जा रही है, जब तक गेंद अपने आप रुको, ये 4 रन तो भार्गव के बल्ले से निकलता हुआ 3रा चौका, और बहुत ही खतरनाक साबित हो रहे हैं भार्गव, अब 34 रन बना लिए हैं, 47 गेंदों का सामना किया है, बहुत धीमी शुरुआत की थी पर बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल अपने बाचे खोल दिए हैं उन्होंने, और इस चौके के साथ भार्गव पहुंच गए हैं 34 रन, 47 गेंदों का सामना किया है और पारी का स्कोर पहुंचा दिया है 88 रन, तो 50 रन बनाने होंगे जीत के लिए बचे हुए 8.4 ओवर्स में। थोड़ी महंगे साबित हो रहे हैं इस साइड, ऑन साइड पर गेंद थी, स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को फील्ड कर दी, गेंद को खेल दिया है और लगातार 2रा चौका, सो महंगे साबित हो रहे हैं अभिषेक, इस ओवर पर लगातार 2रा चौका लगाया है भार्गव ने, जितनी तारीफ की जाए भार्गव की उतनी कम, बहुत ही साहसी पारी खेल रहे हैं, बहुत ही विश्वसनीय पारी खेल रहे हैं, बहुत ही जिम्मेदारी भरी पारी खेल रहे हैं, 38 रन बना लिए हैं, 48 गेंदों का सामना किया है, अगर मैं बात करूं तो 15 रन बनाए थे उन्होंने 38 गेंदों का सामना करके, और पिछले 10 गेंदों पर उन्होंने 23 रन बना लिए हैं। तो ये मैच ये ओवर ऐसा ना हो कि ये ओवर पूरी तरह मैच की दिशा बदल दे, काफी निर्णायक ओवर है ये, अभी तक इस ओवर पर 13 रन और ये मिस फील्ड हुआ और ओवर थ्रो, तो 1 रन जहां 2 रन होने चाहिए और पुनः मिस फील्ड हुआ, तो जहां पर 1 रन होना चाहिए 2 और अतिरिक्त रन दे दिए, तो 2 रनों के साथ इस स्कोर जा पहुंचा है, और ये निश्चित ही बहुत ही निर्णायक ओवर है, इस ओवर में अभी तक 13 रन खर्च कर दिए हैं अभिषेक ने, तो अभिषेक बहुत महंगे साबित हो रहे हैं, 3.2.4 गेंदों पर 31 रन खर्च किया है, कुछ भी सही नहीं बैठ रहा है अभिषेक के लिए इस मैच पर। भार्गव 41 रन बनाकर खेल रहे हैं नाबाद, और सामने हैं कप्तान हसन बुने ने, बहुत ही बढ़िया समझदारी की क्रिकेट खेली जा रही है, ऑन साइड पर खेला, 1 रन के लिए भाग कर खड़े हुए बैट्समैन, कोई भी मुश्किल नहीं हो रहा है सिंगल, और ये मैच आसानी से सिंगल से जीता जा सकता है ऐसा समझते हैं कप्तान बालाजी बाला।
ये गेंद भार्गव को ऑन साइड पर खेल ऑफ साइड पर खेला डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ. तो बहुत महंगा ओवर समाप्त हुआ अभिषेक का. इस ओवर पर उन्होंने 15 रन खर्च किए हैं और ऐसा ना हो ये निर्णायक हो इस मैच के लिए. तो भार्गव ने 42 रन बनाए हैं, 50 गेंदों का सामना किया है. बाला 11 रन बनाकर खेल रहे हैं, 18 गेंदों का सामना किया है, पूरी तरह कप्तान की पारी खेल रहे हैं. बाला प्लेइंग कैप्टन्स नॉक, वेरी सेंसिबल इनिंग बाई भार्गव एंड बालाजी. बाला सो दे डिड अ वेरी गुड पार्टनरशिप ओवर हियर विच नीडेड फॉर द रेडबैक्स टू सिक्योर दिस मैच एंड नाउ वी कैन से इट्स क्वाइट कंट्रोल अंडर देयर कंट्रोल दिस मैच. सो दे नीड 41 runs in 8 overs, remaining 8 overs, required run rate is 5.12, and if Cracking Willows want to win this match, they have to take the wickets. They don't have any other choice for this match. So if they want to win this match, they have to take the wickets. Let's see what is going to happen in this over. This is again a crucial over. This will decide this match. So somehow we can say it is quite under control of Redbacks team. Again, this ball, Bhargav played towards offside, deep point boundary and gone for the single. So by this single, score moved to 98 and Bhargav moved to 43. He is playing a very good knock. Very sensible cricket played by both the batsmen. So with this and there is very good running between the wicket, gone for the where there is a single, they are taking doubles. And 100 ups for the Redbacks. They scored 100. So with this double, Captain Bala move to 13. And this is very sensible cricket by Bala. Late cut and played towards third man. By the time fielder fielded the ball, batsman completed 2 runs. So now pressure on Cracking Willows team. So they needed 6 wickets if they want to win this match in remaining 7.3 overs. So Redback score 102, loss of 4 wickets. Captain Bala playing a very sensible inning. This partnership has changed the game, entire game. Boyd, big Boyd by the captain Jitesh. There is fumble again and batsman gone for the single. There is overthrow again and there batsman won't take the single. And Captain Bala said no. So very good call by Captain Bala. And he denied for the single. So there are no damage done for the Redbacks. So with this single score moved to 104, loss of 4 wickets. Again a big bite. So captain considered 2 bites in this over. And with the single score move to 105, loss of. Again Bhargav ko
और स्ट्रेट ड्राइव खेल दिया है, गेंद सीमा रेखा के बाहर, चार रन। बिल्कुल सीधे बल्ले से खेला गया शॉट और इस चौके के साथ भार्गव पहुंच गए हैं 47 रन पर। सो स्कोर 47 रन्स इन 52 बॉल्स। नाउ भार्गव इज बिकमिंग वेरी डेंजरस फॉर द क्रैकिंग विलोस। ही प्लेड अ वेरी सेंसिबल इनिंग, ही स्टार्टेड अ वेरी स्लो। So there is a change in the bowling now. Kunjan brought into attack. Sorry. Pranjul brought into attack. So score is 109 for 4. Bala wants to hit this shot, missed it, but no damage done. Goal still remain 109 for loss of 4 wickets. So there is change in bowling now. Pranjul brought into attack. First ball, no run. So dot ball is not going to help them. They have to take the wicket if they want to win this match. Multiple in the sense. Bala played towards onside, ball traveling towards boundary and 4 runs. So very good shot by Bala, he's a playing captain knock. And with this 4, so Pranjul drifted towards leg stump and Bala. Did a fair. But this ball. There is inside edge. Very lucky. So no damage done, no run. Score 113, loss of 4 wickets. Very good cricket played by both the teams. Very lovely shot by her, Bala. Played towards deep wind for single. And with this single, score moved to 114. Loss of 4 wickets. What a shot by Bala. Bargo played towards point boundary for single, and this is the end of over number 19. So score 115, loss of 4 wickets. 6 overs remaining. So there is change in the bowling. Rohan brought into attack.
Very good batting by Bala and he and Bala completed his 50. Very good knock by Bala. So Bala completed his half century with this double. Very, very good knock by. Much appreciated inning. Very balanced inning. Well deserved half century. And he's the contender for the man of the match. He's the deserving candidate for today's if his team will win this match. So he's the deserving candidate for the man of the match. Very nice delivery. Beaten by the pace. Wicket keeper Bala collected the ball and returned to the bowler Rohan. There is no cut behind, appeal for the cut behind. But umpire said no. So Bhargo is still save. 21 run needed in remaining 5.3 overs. So there is misfield by James by the time batsman completed for single. And with the single score moved to 118. Very good fielding by Abhishek this time. Bala, who is playing captain knock, he is not out on 21. He is faced 29 deliveries. Inside edge, travels to the boundary, batsman. And this is gone for 4 runs. So with this score moved to 122. And 16 more runs needed. Bala moved on 25. Bhargo is not out on 51. He faced 57 deliveries. So both the batsmen has played a very, very good knock. Very sensible cricket played by both the captain. Took the responsibility, leaded from the front, and very we deserve inning. Bhargo is opened the inning and played a centrical role. He completed his half century in last over. He is not out on 51. So much appreciated inning. Jitni tarif ki jaye utni kam Bhargo ki aur kaptan Bala ki. Dono hi batsman ne bahut hi santulit. ये गेंद और मिलर से कैच ड्रॉप हो गया सो मिलर से ये कैच छूट गया और बहुत ही और बैट्समैन ने इसी बीच 2 रन दौड़कर पूरा कर लिया तो किस्मत पूरी तरह साथ दे रही है रेडबैक्स की टीम का पिछले गेंद पर कैच ड्रॉप हुआ था जेम्स के द्वारा भार्गो का और इस गेंद पर इनसाइड एज लगा और विकेट कीपर को छकाते हुए गेंद निकल गई थी तो इस गेंद पर 2 रन आए हैं
13 रन की और दरकार है। ये गेंद स्ट्रेट बल्ले से खेला और बैट्समैन ने दौड़कर एक रन पूरा कर लिया। तो इस सिंगल के साथ बाला पहुंच गए हैं 28 रन पर 31 गेंदों का सामना किया है। बिल्कुल ही कप्तानी की दायित्व भरी पारी खेली है, जिम्मेदारी भरी पारी बाला की। ही प्लेड अ वेरी रिस्पॉन्सिबल इनिंग। ये गेंद फुल टॉस थी और मिसफील्ड कर दिया वहां पे कुंजन के द्वारा और इस बीच बैट्समैन ने एक और रन पूरा कर लिया। तो 12 गेंद 12 रन और बनाने हैं, समा करें 11 रन और बनाने हैं बचे हुए 26 गेंदों पर। ये गेंद बाला को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे तो बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं प्रांजुल। पहले गेंद पर कैच छूटा था जेम्स के हाथों से। ये गेंद बाला को और ऑन साइड पर खेल दिया गेंद को स्क्वायर लेग के तरफ से 4 रन। तो इस मैच में अब केवल औपचारिकताएं बाकी रह गई हैं। बहुत ही बढ़िया बैटिंग कप्तान बाला के द्वारा और इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा है 32 रन बाला का। 33 गेंदों का सामना किया है रेड बैक्स का स्कोर जा पहुंचा है 131 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तो अब इस मैच में केवल औपचारिकताएं बाकी रह गई हैं और बचे हुए 24 गेंदों पर 7 रन बनाने होंगे 1.75 रन पर ओवर के हिसाब से। तो बाला और भार्गव की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जल्दी जल्दी 4 विकेट खो दिए थे। शुरुआत बहुत अच्छा किया था रेडबैक्स के दोनों ही प्रारंभिक जोड़ी ने, भार्गव और राहुल ने। बीच में जल्दी जल्दी उन्होंने 4 विकेट गंवा दिए थे 10 रन के अंतराल पर। उसके बाद कप्तान बाला और प्रारंभिक बैट्समैन भार्गव ने बहुत ही बढ़िया बैटिंग की थी और इसी बीच कुछ कहा सुनी हो गई दोनों ही। जीत और हार क्रिकेट का नियम है तो एक टीम जीतेगी दूसरी टीम हारेगी, पर हमें स्पोर्ट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, खिलाड़ियों का स्पोर्ट्सशिप का रिस्पेक्ट करना चाहिए। सो वी शुड रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ दिस क्रिकेट गेम, ए वेरी जेंटलमैन गेम, दिस इज कॉल्ड जेंटलमैन गेम। भार्गव प्लेड टूवर्ड्स डीप पॉइंट बाउंड्री फॉर सिंगल, बैट्समैन गॉन फॉर द सिंगल and with this single score move to 132, so 6 more runs needed and this is over number 22. So Vargo is not out on 54, Bala is not out on 32. So this Yorker Premier League played group final about to end and batsman gone for the third runs. What a running between the wicket. Now 3 more runs needed and Bala with this 3 runs Bala moved to 35. Very good knock by captain. He took the responsibility. And the cool man Vargo played a very good innings. And this now the match is over. So Vargo played a very good inning and
Redbacks won the match by 6 wickets and 20, this is pair of 20 balls. So very good cricket played by both the player. Bhargo played a very good knock, scored 58 runs in 61 balls, and very good inning by Captain Bala, who scored 35 runs. तो इस तरह से ये मैच रेडबैक्स ने 6 विकेट से जीत लिया है यारकर प्रीमियर लीग प्लेट ग्रुप का यह मैच जो कि बरसा बाधित था थोड़ी देर से मैच स्टार्ट हुआ तो मैच One, two, three, yes. The request, both teams to assemble in front of the presentation arena. Cracking Willows and the champions Redbacks. So a fantastic final between the energetic and highly talented Redbacks and the star-studded Cracking Willows. Good game. 138 was a reasonable score. 12 or probably 20 below par, but they had some fight up to the 20th over, but then Bala and Bhargav took it through for the Redbacks. Well done, Redbacks. We've got
three prizes, individual prizes to be given away. And it's best batsman is Jitesh Sinha from Cracking Willows. Oh, I'm getting bored of this, man. He gets it every time. Well done, Jitesh, once again. Prizes, individual prizes to be given away. And it's best batsman is Jitesh Sinha from Cracking Willows. Oh, I'm getting bored of this, man. He gets it every time. Well, Jitesh, and the best bowler award goes to Prathapan from Warriors. Well done, Jitesh, once again. Prizes, individual prizes to be given away. And it's best batsman is Jitesh Sinha from Cracking Willows. And the MVP, most valuable player, is Chiran Moy from Swashbucklers. If he's around here, the best bowler award goes to Prathapan from Warriors. No, he's not here. Anybody from Swashbucklers? Well done, Jitesh, once again. Okay, the runners-up trophy. Individual prizes to be given away. We request Cracking Willows Thunder to come. Best batsman. Collect the runners-up medals Sinha and trophies. From Cracking Willows. Well done, chaps. Always and good to see you play. The likes of Swapnil Shah, Jitesh Sinha, Kunjan Nakre, Amrish, James Riley, Pranjal Mishra, Rohan, Badge, well done, Jitesh and team. Fantastic tournament for you guys. Big thanks to the officials, Sirupati the scorer, Jyoti and Manmohan, the umpires, and Pradeep, the cameraman, of course. And for the winner's trophy, the reserve team, Redbacks, unbeaten throughout the tournament. And what a tournament it's been for them. Bala and team, fully deserved.